हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। ऑडिट का चैप्टर 4 सर, जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लोग सर उसको पूरा रिवाइज करेंगे और शिद्दत से रिवाइज करेंगे। ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट और साथ साथ में सर इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स। मेजरली सर हम इसको इतने पार्ट्स में जो है डिवाइड कर सकते हैं। और मैंने सर आगे आईसीए का भी आपको फ्लो चार्ट दिखा रखा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। बस एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, समझ लेना पहले, उसके बाद रिवीजन वीडियो देखना। अगर आप डायरेक्टली रिवीजन वीडियो उठाओगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें समझ आएँ, कुछ चीज़ें ऊपर से निकल जाएँ, राइट। और ये भाई कोई, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इसमें कोई मजाक नहीं चल रहा है सर। यहाँ पे बहुत सीरियस रिवीजन होने वाली है, तो पहले समझ के आइए फिर इसको बढ़िएगा। और बहुत बड़ा टास्क था ये ऑडिट के लिए। मैं आपको और दो तीन बातें बता देता हूँ। सबसे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर नंबर 11 मैंने आपका रिवाइज पहले से करा रखा है। चैप्टर नंबर 4 ये आपका यहाँ पे रिवाइज हो गया, यानी ये 5 चैप्टर रिवाइज हो गए। 2 चैप्टर की रिवीजन की आपसे और कमिटमेंट करता हूँ। और प्लीज़ गाइज, अगर विश्वास है ना मेरे ऊपर तो मेरे साथ बने रहिएगा। मैं जितने भी चैप्टर रिवाइज कराऊंगा बहुत शिद्दत से रिवाइज कराऊंगा। मैंने और कुछ रिवीजन वीडियोज़ भी देखे, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बट मैं हाथ जोड़ के यही बोल सकता हूँ कि भाई आपका करियर है, बहुत आराम से डिसाइड करके तब जाके रिवीजन करें, तब जाके किसी को अपना मेंटोर बनाए। बस यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक बात, दूसरी बात, मैं आपको सर एक खुशखबरी दे दूँ कि ऑडिट का सर हमने सीए फाइनल के बैचेस भी लॉन्च कर दिए हैं। तो अगर आप ही आपके फ्रेंड्स सीए फाइनल का ऑडिट पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ Edu 91 पर जाके आप सीए फाइनल ऑडिट की कैटेगरी में जाके आप मेरे बैचेस जो है सेलेक्ट कर सकते हैं और सबको बता सकते हैं। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि सबको पता ही नहीं है अभी तक, और काफ़ी सारे बच्चों ने एडमिशन भी ले लिया लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी तक पता ही नहीं है, राइट। चलिए सर, तो अब इस रिवीजन वीडियो को शुरू कीजिए और आई बटन में आपको मैं ऑडिट के और रिवीजन वीडियोस के लिंक दे दूंगा, उन्हें देख लीजिएगा। देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको कम से कम 13 में से 9 चैप्टर तो भाई मैं करा ही नहीं सकता, तो 13 में से मैं आपको लगभग जो है वो 7 चैप्टर की रिवीजन तो दे दूँ, 12 में से 7 चैप्टर की रिवीजन दे दूँ, 12 में से 6 चैप्टर की रिवीजन दे दूँ, ताकि सर आप लोग जो है अपना ऑडिट अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। एटलीस्ट 50% ऑडिट आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, 50% आप अच्छे से अपने आप कर लेंगे, तो इस तरह से 100% ऑडिट जो आप कंप्लीट करके जा पाएँ, राइट गाइज। चलिए जी, थैंक यू, अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, वो तो भाई है ही, उतना प्यार तो आप लोगों का मिलता ही रहता है, बाय। चलो भाइयों, बिना किसी हाइप के चैप्टर 4 शुरू करते हैं, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। बीच में कहीं परमात्मा और आत्मा का मिलन हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं रिवीजन स्टेटमेंट बेस्ड कराने वाला हूँ, फिर भी कोशिश ये रहेगी कि आपको कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटर रिलेट ज़रूर करा दूँ, तो ज़रा साथ बने रहिएगा। आपको ऑडिट की एक एक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है ये वीडियो देखने से पहले, नहीं तो आप चौंधिया जाएंगे, बता रहे हैं, ओके। सो ये चैप्टर 4 का एक सर स्ट्रक्चर है जो ICAI की बुक में दे रखा है। हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे लेकिन अपने स्टाइल से। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर विल गिवन inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. इसका मतलब हमने clean opinion दे दिया जबकि modified opinion जाना था। Very simple. हमने clean opinion दे दिया जबकि modified opinion जाना था, right? So लीजिए सर, auditor gives an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated. Audit risk बनता कैसे है सर? दो चीज़ों से, risk of material misstatement और DR को मिला के जो है हमारा ऑडिट रिस्क बनता है। ऑडिट रिस्क का फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रोमम इनटू DR, और रोमम के दो पार्ट होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। सो वी कैन ऑल्सो से ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। ये तीनों क्या होते हैं अभी आपको पता चलेंगे, डोंट वरी एट ऑल। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज ये कि ऑडिट रिस्क में क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है। सबसे पहली चीज, दैट ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट। मैं आपको क्लास में भी समझाता था, ऐसा मैनेजमेंट होने नहीं देगी कि ऑडिटर बोल दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियल मिसस्टेटेड एंड एक्चुअली दे आर नॉट, और इसको हमने स्पेसिफिकली ऑडिटर की डेफिनेशन से बाहर रखा है, राइट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता। देन एक चीज और ध्यान रखनी सर, इट्स अ टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ द ऑडिटर, टू द फर्म ऑफ द ऑडिटर, राइट। इट डज नॉट रेफर टू ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क सच एज लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी और अदर इवेंट्स अराइजिंग इन कनेक्शन विद द ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट्स अ टेक्निकल टर्म विच इज यूज इन वॉट, ऑडिट प्रोसेस। एसेज में हम लोग दोनों रिस्क को बुला के हमेशा एड्रेस करते हैं, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग सर IR और CR को भी समझ के चलेंगे। लीजिए अब समझने वाली बातें, स्टेटमेंट बेस्ड समझा रहा हूं, ध्यान सुनते जाइएगा, 2:36 हो चुके हैं। फिर से बोलता हूं, मोक्ष की उपलब्धि हो, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो तो धन्यवाद बोल दीजिएगा, और भगवान को याद करेगा, माता पिता को याद करेगा। ऑडिट रिस्क मैंने बताया रोमन टू DR,
और आप उसको ऐसे बोल सकते हैं IR into CR, राइट। ऑडिट रिस्क हमेशा सर हमें लो से लो रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑडिट रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, इट कैन बी रिड्यूस टू अप्रोप्रिएटली लो लेवल। अच्छा जी, देन IR और CR ऑडिटर के कंट्रोल में नहीं होते, ये एंटिटी के रिस्क होते हैं, ऑडिटर इन्हें सिर्फ असेस कर सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड काम कर रहा हूँ, ऑडिटर इन्हें सिर्फ असेस कर सकता है, लेकिन आपका जो DR है सर उसे ऑडिटर मैनिपुलेट भी कर सकता है, कम और ज़्यादा भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी रोमम। तो जैसा रोमम निकलेगा हम वैसे ही उसी हिसाब से क्या निकालेंगे, DR। मैंने नीचे लिखा भी है असेस्ड बाय ऑडिटर, कंट्रोल्ड बाय ऑडिटर। ओके, देन हम इसमें क्या देखते हैं IRCR में, हाउ एक्यूरेट इज द क्लाइंट सिस्टम, हाउ इफेक्टिव इज द IC ऑफ अ क्लाइंट, क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम कितना सही है, क्लाइंट का IC कितना सही है। एंड DR में हम लोग क्या देखते हैं, हाउ मच वर्क डू वी हैव टू डू, हमें कितना काम जो है वो करना पड़ेगा। ओके, हमें कितना काम करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि हमारी रोमम की असेसमेंट कितनी है, अगर हमारा रोमम बहुत ज़्यादा है तो हमें काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है सर सुनिएगा, अच्छा इन दोनों के बारे में मैंने बताया नहीं, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। एक बात याद रखिए, अगर हमारा रोमम बहुत ज़्यादा है तो हमारा काम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सर जैसा कि मैंने फॉर्मूले में बताया, तो अगर सर हमारे पास एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, ये भी आपसे ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड, रोमम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ FS ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, यानी ऑडिट हो या ना हो रोमम तो सर हमेशा 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 होता ही है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। लेकिन डिटेक्शन रिस्क आप तभी बात करते हैं, डिटेक्शन रिस्क पर तभी चर्चा करते हैं जब ऑडिट होता है। तो फॉर्मूला ये रहा सर, IR इंटू CR इंटू DR इज इक्वल टू AR। ऐसे ही सर IR इंटू CR इंटू, अगर मैं आपको ये दे दूँ और ये दोनों दे दूँ तो आप ये भी निकाल सकते हैं, या फिर आपको ये तीनों वेरिएबल्स गिवन है तो आप ये निकाल सकते हैं, राइट। सर क्या एग्जाम में ऑडिट पे न्यूमेरिकल आएंगे, सर इंडिया में तो नहीं आते, ACCA CPA इन सब कोर्सेज में जो है वो पूछे जाते हैं। एंड बिलीव मी, अगर कोई ACCA वाला व्यक्ति ये कोर्स ये वीडियो देख रहा है, समझ लो उसका ऑडिट का ऑडिट रिस्क कंप्लीट हो गया। CA वालों को तो हम बहुत डिटेल में ले जाते हैं, ACCA वालों को तो कंप्लीट हो गया जो बेसिक ऑडिट रिस्क आपने समझना है। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, वीक सिस्टम इज नॉट इक्वल टू फाइनेंशियल्स आर रॉन्ग, ये सर ऐसी चीज़ है ना समझने वाली चीज़, अगर किसी का IC वीक है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सर उसके फाइनेंशियल रॉन्ग होंगे। हाँ हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा, हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके, जब सर आपके पास एयरटेल का मोबाइल का बिल आता है आप आँख बंद करके पे कर देते हो, आपको शक नहीं होता उन्होंने कुछ ओवरचार्ज किया होगा, उनके सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन हमें सर उनकी पेमेंट तो करनी है, हम उनके सिस्टम पे विश्वास रखते हैं इसलिए काम कम करते हैं, रीचेकिंग नहीं करते हैं। अगर सर आपका सब्जी वाला आपको बिल देगा ना, हमारे यहाँ पे एक जनार्दन, वो जब भी बिल देगा ना हमेशा चेक करोगे, क्योंकि आपको पता है उसके सिस्टम ऑटोमेटेड नहीं है, वो हाथ से बिल बनाता है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपका सिस्टम स्लो है। इस काम में सर हम लोग वर्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। लीजिए रोमम को हम लोग असेस कैसे करते हैं, रैप से, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ओके, सो रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट को हम लोग असेस कैसे करते हैं, रैप से, दैट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आइए अब सर कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, ये चीज़ें जो मैंने इस बॉक्स में डाल रखी हैं, ये चीज़ें शायद आपको कहीं लिखी हुई ना मिले, ये मैंने खुद बड़ी मेहनत से आपके लिए एक एक वर्ड चुन चुन के सिलेक्ट कर करके आपके लिए नोट्स बनाए हैं, राइट। सो ग्रेटर रिस्क रिक्वायर्स मोर परसुएसिव एविडेंस, जितना ज्यादा रिस्क होगा, जितना ज्यादा रोम निकलेगा हमारे लिए सर काम उतना ही बढ़ जाएगा, हमारे NET ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे इंपैक्ट आता है, नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग। नेचर मतलब सर हमें क्या चाहिए, ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए, यानी हमें कंप्लाइंस या कंट्रोल टेस्टिंग छोड़ के सब्सटैंटिव टेस्टिंग पे ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, हवाई जहाज निकल चुका है, जिन बच्चों को ऑडिट का बेस नहीं पता ना वो यहाँ से अलग होने शुरू हो जाएंगे, और जिन बच्चों को ऑडिट का बेस पता ना यहाँ से कुन पाया कुन, मोक्ष की उपलब्धि शुरू। आइए तो सर जनरल ग्रेटर रिस्क रिक्वायर NET पे इंपैक्ट आता है। सर हम लोग ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेंगे अगर रिस्क ज्यादा है, सैंपल साइज बढ़ा देंगे, और इंटरिम चेकिंग से हम लोग ईयर एंड टेस्टिंग पे जो है ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, ईयर एंड आएगा यहाँ पे, एंड नहीं आएगा, राइट। हाँ, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रोमम एंड एश्योरेंस, ध्यान से देखिएगा इसमें कंफ्यूजन हो सकती है बहुत ज्यादा। रोमम और एश्योरेंस के लेवल में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, रोमम जितना ज्यादा है मुझे एश्योरेंस भी उतनी ज्यादा जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। मोर द रिस्क ऑफ स्टेटमेंट मोर द एश्योरेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम सब्सटैंटिव प्रोसीजर। कई लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, बल्कि आप इंटरनेशनली इसको ऐसे जानेंगे, रोमम और DR के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर रोमम ज्यादा आया तो मुझे अपना डिटेक्शन रिस्क कम रखना पड़ता है। डिटेक्शन रिस्क होता है ऑडिटर का रिस्क, कम ऑन, डिटेक्शन रिस्क होता है ऑडिटर का रिस्क। बोले तो सर जी ऑडिट के सब्सटैंटिव प्रोसीजर मिसस्टेटमेंट को ना पकड़ पाए, इस बात के रिस्क को हम लोग बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। और अगर हमारा रोमम ज्यादा निकलता है हम सर DR को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, DR कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, प्लीज रिमेंबर। सर अगर हमारे रोमम सर बहुत कम है, यानी हमारे सिस्टम्स बहुत अच्छे, अकाउंटिंग सिस्टम और IC बहुत अच्छा है, तो क्या सर हम लोग DR को बहुत हाई रख सकते हैं?
नेवर सर. क्या हम सब्सटैंटिव प्रोसीजर को स्किप कर सकते हैं? नेवर. सब्सटैंटिव प्रोसीजर कैन नेवर बी स्किप्ड, इस बात को आपने ध्यान रखना है. लीजिए सर, आई होप सर अब मजा आना शुरू हो चुका है गेम के अंदर. फास्ट हो रही है, टेक्निकल हो रही है, और फिर से बोलता हूँ जिनको ऑडिट का बेस नहीं पता है वो अलग हट लिए होंगे सर इस समय तक. और जो बच्चे सर ऑडिट अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि सीए फाइनल की ऑडिट की क्लासेज मैंने शुरू कर दी हैं, जो मई 21 नवंबर 21 एग्जाम के लिए अवेलेबल है. और अपने इंटरमीडिएट के लिए तो सर सीए की ऑडिट की क्लासेज है ही, आप लोगों का उसमें पूरा प्यार है ही. आइए और कुछ चीज़ें पढ़ाता हूँ, ये बड़े एक एक वर्ड चुन चुन के मैंने आपके लिए सर बनाया है. राइट. अच्छा, पहले एक मिनट के लिए मैं आपको आईआरसीआर पढ़ाई आता हूँ कि आईआरसीआर जो है वो होता क्या है, नहीं तो आप परेशान रहेंगे. लीजिए आईआर, सिंपली इसको पढ़िए. मिसस्टेटमेंट होने की ससेप्टेबिलिटी, ये एज्यूम करते हुए कि आईसी नहीं है, और ये हमेशा 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 होते हैं. क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम में गलती होने के चांसेस, अगर आईसी ना हो तो सर क्या है, उसी को हम बोलते हैं आईआर. अच्छा जी, इनहेरेंट रिस्क. देन उसके बाद सर हम बात करते हैं किसकी, कंट्रोल रिस्क की. कंट्रोल रिस्क क्या बोलता है सर, आईसी होने के बावजूद भी मिसस्टेटमेंट हो जाएगी, इस बात के रिस्क को हम बोलते हैं कंट्रोल रिस्क. यानी आईसी है तो सही, लेकिन वो प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहा, या तो आईसी है ही नहीं, या फिर आईसी प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट नहीं कर पा रहा मिसस्टेटमेंट को, या फिर आईसी के डिजाइन में सर क्या है, कुछ ना कुछ फ्लॉ है. देखिए इस लाइन को पढ़ लीजिए सिर्फ, इधर आईसी इज मिसिंग और आईसी इज नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, और देयर इज अ फ्लॉ इन डिजाइनिंग द आईसी. नाउ व्हाट इज डिटेक्शन रिस्क सर? डिटेक्शन रिस्क ये है, इस बात का रिस्क कि ऑडिटर के प्रोसेस में स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. आईआरसीआर मैनेजमेंट का ऑडिट रिस्क, ऑडिट डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर का, याद रखिएगा. आईआरसीआर मैनेजमेंट कम ज्यादा कर सकती है, और अपना डिटेक्शन रिस्क ऑडिटर कम ज्यादा कर सकता है. आईआरसीआर को ऑडिटर सिर्फ असेस कर सकता है, डीआर को सर ऑडिटर अकॉर्डिंगली डिजाइन कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी रोमम. रोमम बोले तो कंबाइन लेवल ऑफ आईआरसीआर. इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है तो सुन लीजिए, रोमम और डीआर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. रोमम और डीआर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. रोमम और एश्योरेंस के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. रोमम ज्यादा, एश्योरेंस भी ज्यादा चाहिए. रोमम और काम कितना करना है, इसके बीच में भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. रोमम ज्यादा तो काम भी ज्यादा करना है, लेकिन रोमम और डीआर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अगर एक कंपनी में रोमम बहुत ज्यादा है, हम लोग सर डीआर को कम से कम लाने की कोशिश करते हैं. आइए सो सिंपली स्पीकिंग स्टेटमेंट बेस्ड एक बार पढ़ लेते हैं. देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डीआर एंड द कंबाइंड लेवल ऑफ आईआर एंड सीआर. The greater the risk commitment statement auditor believe exists, जितना auditor को लगता है romum है, the less the detection risk that can be accepted. Okay, इतना ही पढ़ना आपके लिए बहुत है. Statement based हमारे ये दोनों काम हो चुके हैं. आइए अब चलते हैं और सर इस paragraph को पढ़ते हैं और समझते हैं. देखिए हम लोग सर IR कब ही मानते हैं, जब सर misstatement होने के चांसेस ज्यादा है. राइट. और कौन सी assertion है जिसमें misstatement होने के चांसेस ज्यादा है, जहां हाई वॉल्यूम ट्रांजेक्शन है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, या फिर सर आपने एस्टिमेशन से कोई अमाउंट निकाला है और साथ साथ में आपका अगर कैश इन्वॉल्व है. राइट. अच्छा, आईआर का बेसिक मतलब क्या है, कभी क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो सही काम नहीं कर रहा है. कंट्रोल रिस्क कब काम करता है, कंट्रोल रिस्क कब आता है, जब आईसी कैच ना कर पाए, प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट ना कर पाए रिस्क को. इट इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ आईसी. ये हमने काफी सारी बार बोल लिया. देन सम अमाउंट ऑफ सीआर विल ऑलवेज बी देयर. व्हाई? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ आईसी. याद रखिएगा, इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है इंटरनल कंट्रोल की, जो हम आगे रिवाइज करने वाले हैं, उसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ सीआर तो हमेशा रहेगा ही रहेगा. डिटेक्शन रिस्क इज द फंक्शन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द मैनर इन विच दे आर अप्लाइड. यानी कि कितने आपने अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर चूज करे डिपेंडिंग अपॉन दी असर्शन एंड दी रोमम, एंड आपने उनको कैसे अप्लाई किया. क्या लाइन बोली है साहब, अगर आप ऑडिट पढ़ते हैं ना तो इस समय मोक्ष की उपलब्धि होनी शुरू हो गई होगी. बस बस राइट. तो फिर से बोलता हूं, डिटेक्शन रिस्क डिपेंड करता है किस पे, आपने कौन से ऑडिट प्रोसीजर चूज करे हैं डिपेंडिंग अपॉन दी असर्शन एंड दी रिस्क कमिटमेंट स्टेटमेंट, एंड आपने उसको कैसे अप्लाई किया है. सम अमाउंट ऑफ डिटेक्शन रिस्क विल ऑलवेज एग्जिस्ट बिकॉज द ऑडिटर डज नॉट एग्जामिन 100% ऑफ द अकाउंट बैलेंस और ट्रांजेक्शन फॉर ट्रांजेक्शन. Another reason for some amount of detection risk is the mistake in applying audit procedure or interpreting the result. तो भैया कुछ हमेशा जो रिस्क है वो तो रहेगा ही रहेगा. ओके. डिटेक्शन रिस्क कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये शायद आपको किसी ने ना बताया हो, डिटेक्शन रिस्क कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टेस्ट ऑफ डिटेल रिस्क एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर रिस्क. एनालिटिकल प्रोसीजर को लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर टेस्ट ऑफ डिटेल होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर सब्सटैंटिव प्रोसीजर होते हैं, या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होते हैं. लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, लेट मी टेल यू, और मोक्ष की उपलब्धि हो रही हो तो बता दीजिए, एनालिटिकल प्रोसीजर रैप भी होते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर फैप में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी होते हैं. जब हम ऑडिट के एंड के टाइम पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे लिए सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, इज अ पार्ट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर. और जब हम रोमम करते समय
इसे प्लानिंग एनालिटिक्स भी बोलते हैं कई कंट्री में, जब हम रोमम करते समय रिस्क ऑफ मिडिल में स्टेटमेंट को असेस करते समय जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं तो सर उन्हें हम सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर बुलाते हैं, और उस समय वो हमारे लिए रैप का काम कर रहे होते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को। एक बार वाह बोल दीजिए। ओके, सो देखिए मैंने लिखा है, प्लीज नोट दैट व्हेन एनालिटिकल प्रोसीजर आर अप्लाइड इन द एंड ऑफ द ऑडिट दे बिकम सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर आर यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मिडिल में स्टेटमेंट दैट इज एज अ रैप एज वेल एज सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। लीजिए सर। देन अब सर कुछ ऐसी बातें जो अगेन मैं आपको सिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं प्रैक्टिकल वर्ल्ड के हिसाब से। अदर पॉइंट्स देखिए, अगर आपने रोमम अच्छे से देखा, अगर आपने रिस्क को अच्छे से असेस किया है, तो डेफिनेटली सर आपको रिव्यू में आगे जब आपका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा या पीयर रिव्यू होगा तो उसमें आपका हमेशा एक अपर हैंड रहेगा, आपके पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें होंगी। यस, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, लास्ट में पढ़ लेंगे। रिस्क असेसमेंट आपको प्रिसाइसली बताता है कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। एंड साथ साथ रिस्क असेसमेंट सर एक ऐसा स्टेप है जो आपको सर हिम्मत देता है कि आप मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट जो है वो निकाल पाए। ये जो बेटा समझाया ना मैंने आपको, इसमें सर मोक्ष की उपलब्धि अभी तक हो जानी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई मुझसे स्टेप्स पूछता है, और ये नोट्स अभी किसी के पास भी नहीं है, ये मैंने स्पेशली रिवीजन के लिए बनाए हैं, तो सबसे पहले एंगेजमेंट, फिर हम लोग क्या करते हैं आइडेंटिफाइंग एंड असेस द रिस्क ऑफ मिडिल में स्टेटमेंट। अभी कुछ पापी आके इसमें ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, लेकिन स्टेप्स यही रहेंगे। उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद प्रोसीजर के बाद क्या लगाते हैं ओपिनियन। अब जरा मैं इस पर आ गया, ये जो IARROM लिखा है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट, सवाल उठ सकता है कि सर हम आइडेंटिफाई और असेस करते क्यों है रोमम को, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। और हम करते कैसे हैं तो ध्यान से समझिए सर, हमें रोमम को आइडेंटिफाई असेस करना है। रोमम को आइडेंटिफाई और असेस इसलिए करना है ताकि सर हम अपनी प्लानिंग कर पाएं, उन रिस्क को कैसे एड्रेस करना है और फिर प्रोसीजर लगा के उन रिस्क को हम एड्रेस कर पाएं। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, हम रोमम को दो पार्ट में बांटते हैं, IRCR, और ये IRCR को समझने के लिए ही हमें सर एंटिटी और उसके माहौल को समझना है, और CR को समझने के लिए हमें उसके IC को समझना है। देखिए, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट, हाउ वी डू इट, बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। देन एंटिटी और एनवायरनमेंट को समझ के हमें क्या समझ आएगा, IR समझ आएगा। कैसे समझते हैं एंटिटी और उसके माहौल को, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, अलग से सेपरेट क्वेश्चन है साहब, ये पूरा एक अलग से क्वेश्चन बनेगा हमारे लिए। देन आईसी को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, आईसी इंटरनल कंट्रोल की अगर बात करता हूं, इंटरनल कंट्रोल को हम क्यों समझते हैं, ताकि हम CR को असेस कर पाए, CR को असेस कर पाए। और कैसे करते हैं, वॉक थ्रू के थ्रू। वॉक थ्रू क्या है, वॉक थ्रू मतलब सर आप सर किसी भी ट्रांजैक्शन का फ्लो समझते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये चीज होती तो कैसे होती है, बिगनिंग टू एंड। इन चीजों से आप सर आइडेंटिफाई और असेस कर पाते हैं रिस्क ऑफ मिडिल में स्टेटमेंट को, राइट। ओके चलिए, देन सर एक छोटा सा डायग्राम मैंने आपको और बनाया है, देखिए एक तराजू पे रखे रहते हैं सर, IRCR एक तरफ और DR एक तरफ, वन गोज अप अनदर मस्ट गो डाउन। मैंने क्या बोला, वन गोज अप अनदर मस्ट गो डाउन, यानी कि अगर एक ऊपर जा रहा है IRCR ऊपर जा रहे हैं तो सर DR आपको नीचे लाना पड़ेगा, और वन गोज डाउन सर इट कैन बी इंक्रीज, DR कैन बी इंक्रीज, राइट। गोज डाउन इफ दिस साइड गोज डाउन इट मींस लेस रिस्क इज देयर, ओके, एंड लेवल ऑफ DR विल गो अप और कैन बी केप्ट हाई एज लेस वर्क टू बी डन। इस कॉन्क्लूजन है, ये कॉन्क्लूजन बिल्कुल एकदम राइट। रिस्क ऑफ मिडिल में स्टेटमेंट सर दो लेवल पे हो सकते हैं हमारे पास, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब सर जिस रिस्क का इंपैक्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा हो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिस्क ऑफ फ्रॉड। मैं कहना नहीं चाहता था, बड़ा कंट्रोल करके बैठा था अपने आप को, एक भाई साहब ने ऑडिट की मैराथन डाल रखी है, उसके अंदर चैप्टर 4 इंटरनल कंट्रोल पढ़ा रखा है, मैंने देखी वो वीडियो, मैंने देखा लोग बाग पढ़ा क्या रहे, मैं ऑनेस्टली आपसे बोल रहा हूं, 2 मिनट साइलेंस फॉर देम। इंटरनल कंट्रोल अभी तो मैंने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया है, रिस्क तो ऐसे किसी ने बताया नहीं हुआ कहीं पे भी, रिवीजन वीडियो में तो एटलीस्ट नहीं बता रखा, मुझे नहीं पता रेगुलर में क्या कर रहा था। और मैंने उनका इंटरनल कंट्रोल की वीडियो देखी लगभग 20-25 मिनट में, देखा मैंने देखा भाई वो अपना राग अलाप रहे हैं। मैं किसी भी टीचर के बारे में नहीं कहना चाहता, आई एम रियली सॉरी, बट उससे बुरा तो बच्चों का हो रहा है ना, बच्चा वो सुन के कॉन्फिडेंस में जाएगा कि मैं पेपर देके आ जाऊंगा, पेपर में वो पूछा ही नहीं जाना है जो वो पढ़ा रहे हैं, पता नहीं शायद 10 साल पुराना IC पढ़ा रहे हैं। ओके आई एम सॉरी। चलिए, सो असर्शन लेवल पे होता है सर, रोमम एट असर्शन लेवल कैन बी फॉर एनी असर्शन, ये हम देखेंगे, ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर, जो सर समझदार बच्चे हो समझ गए होंगे, OCACC, ERCV एंड OCAC। समझ आया नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो में अभी दोबारा आएगा, देखेंगे उसको। देन रिस्क ऑफ मिडिल में असर्शन लेवल आर असेस्ड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर एक्सटेंडेड टाइम ऑफ फैप, मैंने आपको बताई दिया नेचर एक्सटेंडेड टाइम ऑफ फैप, मतलब फैप में हम लोग सर रेस्ट ऑफ कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान देंगे या सब्सटेंटिव पे, नेचर एक्सटेंट सैंपल साइज क्या होगा, टाइमिंग इंटरिम से काम चला लेंगे या ईयर एंड पे भी जाना पड़ेगा हम लोगों को। नेसेसरी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, द एविडेंस एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एन एक्सेप्टेबली लो लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क। ओके
लीजिए सर। देन बात करते हैं सर, ये वाला हमने चार्ट देख ही लिया अच्छे से, इंटर रिलेशनशिप हमने समझ लिया अच्छे से, एनी टी मैंने सर यहाँ पे एक बार आपको अलग समझा दिया। नीचे बोले तो टाइप ऑफ प्रोसीजर, कंट्रोलिंग कंट्रोल टेस्टिंग के साथ ध्यान लगाएंगे सब्सटैंटिव पे। एक्सटेंड बोले तो वर्क, लेस वर्क और मोर वर्क। टाइमिंग बोले तो इंटरिम और ईयर एंड, लेस रोमम तो ज़्यादा इंटरिम पे काम करके रोल फॉरवर्ड करके सीधा एक बार फाइनल पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका रोमम ज़्यादा है, आपका रोमम ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सर ईयर एंड ट्रांजेक्शन को जो है वो चेक करेंगे। राइट, लीजिए सेकंड टॉपिक आ गया सर हमारे पास रिवीजन में, ऑडिट रिस्क। मैंने आपको बहुत बढ़िया से समझा दिया वैसे कायदे से, अब मैं आपको जंप करके ऐसे 315 पे ले जाना चाहता हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, ऐसे 315 पे। जब आप ऑडिट रिस्क समझ लेना ढंग से, तो उसके बाद जंप करके मेरे साथ रिवीजन पे आ जाए ऐसे 315 पे। और जरा नाम पढ़िए इसका, और कुन फाया कुन, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। अब आपको एक एक चीज पता है, आप इस समय क्या करने वाले हैं, आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम कैसे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। और ब्रैकेट में लिख लीजिए इंटरनल कंट्रोल, नाम में नहीं है लेकिन सर हमें पता होना चाहिए, मैं क्लास में भी ऐसे पढ़ाता हूं। एंटिटी और एनवायरमेंट को हम लोग क्यों समझ रहे हैं, एंटिटी और एनवायरमेंट को हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हम लोग आईआर को असेस कर पाए, और आईसी को हम लोग क्यों समझ रहे हैं ताकि हम लोग सीआर को असेस कर पाए। अब आईआर सीआर पता है कि नहीं पता है, और आईआर सीआर को हम लोग क्यों समझ रहे हैं ताकि हम लोग डीआर को सर डिसाइड कर पाए कितना रखना है। सर ये आईआर सीआर और डीआर को हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि सर हम लोग अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन कर पाएं, हम लोग अपना ओपिनियन दे पाएं, और ये तो ऑडिटर का काम होता है। आइए, आई होप मोक्ष की उपलब्धि अब तो हो गई है भाई। और भाई जिसको ऑडिट की बेसिक नहीं पता भाई, प्लीज पहले बेसिक समझ के आओ, मैं तो साफ बोलता हूँ भाई। लीजिए तो ये सर, अब आपको यहाँ से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैंने आपको एज इट इज बता दी, बिल्कुल चिंता ना करें। इवन ये पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है, देखिए क्या है, एक बार क्विक रीडिंग देता हूँ। Why is there a need to understand the entity environment? We cannot audit all the transactions because of AILA. AILA is the limitation of audit. Therefore, we need to decide the nature, time and extent of the audit procedure, and we also need to know the sample size. Okay. So, determine nature, time and extent of the audit procedure, we need to understand two things, ROMUM and materiality. ROMUM can be further divided into IRCR, right? To assess the IR, we need to understand the entity and its environment. And to assess the control risk, we need to understand the what? IC of the entity. Yaad rakhiyega, 315 mein action nahi hai. 315 mein to sir ji assessment hai. एक्शन 330 में हम लोग अपने ऑडिट प्रोसेस डिसाइड करते हैं। लीजिए 315 की कुछ डेफिनेशंस। बिजनेस रिस्क इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ट्रू फॉल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे एक्शन, ऐसे इवेंट, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे इनएक्शन दैट कुड एडवर्सली इफेक्ट द एंटिटीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। कोई गवर्नमेंट का लॉ एंड रेगुलेशन आ गया, राइट, रिसेशन आ गई, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस रिस्क। वॉट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? अब जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर दी प्रोसीजर विच आर यूज टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। एंड दीज रिस्क कैन बी एट टू लेवल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असेशन लेवल। ओके, ग्रेट। सिग्निफिकेंट रिस्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्यों सर मोस्ट इंपॉर्टेंट? बेटा सिग्निफिकेंट रिस्क वो रिस्क जिसको चाहिए स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। इसके ऊपर से दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, नंबर 1 सिग्निफिकेंट रिस्क ट्रू फॉल्स, एंड नंबर 2 आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क के एग्जांपल्स दीजिए। देन मटेरियल वीकनेस सर क्या है? मटेरियल वीकनेस बेसिकली ये भी एक डेफिनेशन है, वीकनेस इन आईसी दैट कैन हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतनी बात याद रखें, वीकनेस इन आईसी दैट कैन हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको सर हम 265 के साथ और अच्छे से कवर करेंगे, अभी के लिए सिर्फ एक लाइन, वीकनेस इन आईसी दैट कुड हैव मटेरियल इफेक्ट ऑन द व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइए सर आगे चलते हैं। असेसमेंट ऑफ रिस्क हमने पढ़ी लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट टेक इनटू द, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल की बात करते हैं तो हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को देखते हैं, हम ऐसे रिस्क को ढूंढते हैं सर जिसका इंपैक्ट आ रहा हो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बहुत सारी असर्शंस पे एक साथ, राइट। एंड देन जब हम बात करते हैं सर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट असेशन लेवल, तो सर हम क्या करते हैं, अकाउंट बैलेंस चल रहा है तो इस लेवल पे हम लोग कोई रिस्क देखते हैं, ईसीएस ईसीवीआर जो मैं आपको बता रहा था अभी, ट्रांजैक्शन पे ओसीएसीसी, एंड देन प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर पे ओसीएसी। ओके, आइए सर आगे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए सर इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस दैट आर टू बी फॉलोड, तो आप सर इसको उनसे भी रिलेट कर सकते हैं। ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, क्लियरली रिलेशन बनता है सर, ए ई आई ओ यू रीपरफॉर्म, आई होप आपको याद है। एनालिटिकल प्रोसीजर इंस्पेक्शन इंक्वायरी, ए ई आई ओ ऑब्जर्वेशन, ए ई आई ओ यू रीकैलकुलेशन, एंड देन हमारे पास ए ई हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्वायरी इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन रीकैलकुलेशन एंड देन रीपरफॉर्मेंस, राइट। उन्हीं से उठा लिए सर, उन्हीं से उठा लिए हैं, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, वहीं से एग्जैक्टली वहीं से उठा लिया है, वन टाइम रीड करेंगे तैयारी हो जाएगी सर। ओके, सो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंड ऑफ अदर्स,
विद इन द एंटिटी. तो सर आप इनसे इंक्वायरी करके रिस्क को असेस कर सकते हैं. एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर जो है रैप की तरह भी यूज हो सकते हैं और फैप में सब्सटैंटिव प्रोसीजर की तरह भी यूज हो सकते हैं. जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर को स्टार्टिंग में यूज करते हैं ऑडिट की तो सर वो रैप है, और जब हम एंड में यूज करते हैं तो फैप में सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के फॉर्म में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स हैं. देन बात करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन की. ऑब्वियसली सर ऑडिटर गया है तो सर वो ऑब्जर्व भी करेगा, इंस्पेक्ट भी करेगा. जो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी है सर उनके लिए सपोर्ट में सर वो चीज़ें ढूंढेगा एटसेट्रा एटसेट्रा. वन टाइम रीड प्लीज, वन टाइम रीड. ये है सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू बी अप्लाइड बाय ऑडिटर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मिनिमम स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी. आइए देन पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंटिटी. वेरी इंपॉर्टेंट सर, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सर इसके ऊपर, तोते उड़ जाएंगे. व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, रटना है सर. सिर्फ आपके लिए मैंने ये वर्ड्स यहाँ पर निकाल रखे हैं. वैसे तुम्हें पता है सर अल्टीमेटली वी नीड टू असेस द रोमम, वाई द हेल वी आर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी. सर अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक होकर पूछें तो मैं सर अपने IR के लिए अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन ICAI बोलता है कि सर ये सारे पॉइंट्स लिख के आना. सबसे पहले इस्टेब्लिश द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्कोप तय करना है. देन रोमम रिस्क ऑफ मिनिमम स्टेटमेंट, मटेरियलिटी लेवल को पता चलेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज पता चल जाएंगी, ऐसी एरियाज जिन पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन चाहिए, यानी कि आपको सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरियाज पता चल जाएंगे. यू विल बी इन अ पोजिशन टू डेवलप एक्सपेक्टेशन एंड इन द फाइनल स्टेज यू विल बी एबल टू कंपेयर योर एक्सपेक्टेशन एंड एक्चुअल रिजल्ट. एनालिटिकल प्रोसेसर एंड में लगाएंगे जाके, एंड यू विल बी इन अ पोजिशन टू इवेल्युएट वेदर द एविडेंस विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, कीपिंग इन माइंड द understanding of the entity, keeping in mind the risk of minimum statement. Come on, this is one of the most important question. Please mark kar lijiye isko important, direct question banega ye. And then mera favorite question guys, mera favorite question ke bhai aap ab humne bol diya ke purpose kya hai, hame pata hai ki hum kyun samajh rahe hain entity ko, purpose pata chal gaya hum logo ko, kaise samjhe. Aur uske liye aata sir knowledge of client business. Agar aapko ye chart yaad hai, अगर आपको ये चार्ट याद है मित्रों, तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली ये बात बताई थी कि कैसे समझें, ऐसे समझें सर एंटिटी इन्वायरमेंट को कैसे समझें, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस लेके. और ये भी आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, प्लीज़ इसको कोई भी स्किप नहीं करेगा, सब लोग जो हैं इसको करके जाने वाले हैं. और वो क्या है ज़रा देखिए. तो आप लोगों को सर एंटिटी को समझना है, कैसे समझना है, बहुत सिंपल कीवर्ड्स मार्क करा रहा हूँ. इंडस्ट्री को अच्छे से समझिए, एंटिटी के नेचर को समझो, एंटिटी के नेचर को कैसे समझोगे, उसके ऑपरेशंस क्या है, उसकी ओनरशिप किसके पास है, वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट करती है और उसका स्ट्रक्चर क्या है. ऑपरेशंस क्या है, ओनरशिप किसके पास है, वो किस तरह की इन्वेस्टमेंट करती है या फिर करने का प्लान कर रही है, और उसका स्ट्रक्चर कैसे है. स्ट्रक्चर्ड में सब दो बातें आ जाएंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनेंस कैसे है, इक्विटी ज्यादा है, डेट ज्यादा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. दूसरी बात सर उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन उसके बाद एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, एंटिटी के बिजनेस के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी क्या है, उससे रिलेटेड बिजनेस रिस्क क्या है, और एंटिटी अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर कैसे करती है और रिव्यू कैसे करती है. अगर आप इतना जान लेंगे एंटिटी के बारे में तो आपको एंटिटी की समझ आ गई, उसके एनवायरमेंट की समझ आ गई, अल्टीमेटली यू विल बी इन अ पोजिशन टू आइडेंटिफाई एंड असेस द इनहेरेंट रिस्क. कम ऑन लीजिए. और जो उसके बाद मैं आपको बोल रहा था कि सर सिग्निफिकेंट रिस्क क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर एक तो MCQ में पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. गिव सम एग्जांपल ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क. एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क बोले तो द रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पहले आता था, अब मुझे 3 से 4 नंबर के अंदर आने की इसकी उम्मीद है. आइए तो मार्क कर लेते हैं सर, फ्रॉड का रिस्क, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट का रिस्क, कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है उसका रिस्क, जहां पर रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हो उसका रिस्क, सब्जेक्टिविटी जहां पर इन्वॉल्व हो एस्टिमेट्स उसका रिस्क, और साथ साथ में वेदर द रिस्क इन्वॉल्व्स अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस. तो मार्क कर लीजिए कीवर्ड्स, सबसे पहले हमने क्या बोला, फ्रॉड, देन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग इकोनॉमिक एंड अदर डेवलपमेंट्स जैसे रिसेशन आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटेड पार्टी, सब्जेक्टिविटी एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस. राइट, सो जनरली स्पीकिंग जो हमारे सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं वो सर नॉन रूटीन नेचर के होते हैं और जजमेंटल मैटर्स में होते हैं. नॉन रूटीन और जजमेंटल मैटर्स. नॉन रूटीन किस वजह से, नॉन रूटीन सर हो सकता है वो अनयूजुअल हो ड्यू टू देयर साइज और दी नेचर. साइज मतलब सर जनरली स्पीकिंग हमारा सर एक एवरेज डॉलर साइज, जो रुपी साइज जो है वो बहुत कम रहता है, लेकिन सर अचानक से एक बहुत बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन है, अनयूजुअल है. राइट, नॉन रूटीन है, इनफ्रिक्वेंट है. तो आपके सिग्निफिकेंट रिस्क जनरली उन ट्रांजेक्शन में होते हैं जो नॉन रूटीन है और जिनके अंदर क्या इन्वॉल्व रहती है, जजमेंट इन्वॉल्व रहती है. क्या बोलती पब्लिक गाइस,
मैं यहाँ पे इसको कट करना चाहूँगा। देखिए मैंने कैसे रिवाइज कराया आपको, मैंने पहले पूरा ऑडिट रिस्क का पूरा ब्रह्मांड समझा दिया, उसके बाद मैंने आपको 315 पढ़ा दिया। 315 में भी आईटी रिलेटेड रिस्क बाकी है, आईटी रिलेटेड रिस्क बेनिफिट ऑफ आईटी बाकी है। हम सीधा चलते हैं सर कहाँ पे, डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क पे। आईटी रिलेटेड रिस्क के दो टॉपिक जो है हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आईटी रिलेटेड रिस्क क्या होते हैं, आईटी रिलेटेड रिस्क का आईटी का बेनिफिट क्या है ऑडिटिंग के अंदर। ये दोनों टॉपिक हम बिल्कुल अलग से कवर करने वाले हैं, डोंट वरी एट ऑल, मतलब कर देंगे इसी चैप्टर में। अच्छा, डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क, वेरी सिंपल सर, जो आपने रिस्क को असेस किया है आपने सर उसको जो है डॉक्यूमेंट करना है। सबसे पहले आपके एंगेजमेंट टीम में जो डिस्कशन हुआ आप उसको डॉक्यूमेंट करें, आपने क्या क्या समझा एंटिटी के बारे में आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। हाँ जी, आपने क्या क्या समझा एंटिटी के बारे में, उसके माहौल के बारे में, उसके इंटरनल कंट्रोल के बारे में आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। साथ साथ में वो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसके जो सोर्सेज हैं जिससे वो अंडरस्टैंडिंग हुई वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे, और जो आपने रैप लगाए रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लगाए वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे। डिस्कशन डॉक्यूमेंट करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट करेंगे, उस अंडरस्टैंडिंग के सोर्स को डॉक्यूमेंट करेंगे और रैप को डॉक्यूमेंट करेंगे। देन अब आपके सर जो रोमम निकल गए हैं, आइडेंटिफाइड लेवल हैं जो, आप उनको डॉक्यूमेंट करेंगे। आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क रोमम जो है आप उनको डॉक्यूमेंट करेंगे, राइट। एंड देन सर उसके बाद हमारे पास सर जो हमने, अगेन ये रिपीटेटिव है कोई दिक्कत की बात नहीं, जो आपके आइडेंटिफाइड रिस्क थे हम सर उसको भी डॉक्यूमेंट करने वाले हैं, चाहे वो सेशन वाले हों चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल वाले हों, राइट। और उनसे रिलेटेड जो कंट्रोल हैं हम उनको भी डॉक्यूमेंट करेंगे। ये हो गया सर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, एग्जाम के लिए नॉट सो इम्पॉर्टेंट लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। मेहनत देखो अपने भाई की, और मैं कहता हूँ तुम भी अगर ऐसी मेहनत करो तो आग लगा देंगे सर मार्केट में, पक्की बात है, ऑडिटर बन के निकलेंगे। लीजिए नाउ गोइंग बैक सर, अब हम लोग आईसी पढ़ना शुरू करेंगे, इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल कंट्रोल देखिए फ्लो देख लीजिए, इंटरनल कंट्रोल पढ़ेंगे अब हम लोग। पहले हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा, ऑडिट रिस्क पढ़ते पढ़ते सर हम लोग 315 पे गए, ऑडिट रिस्क को 315 को हमने पूरा कर लिया। 315 में आईटी रिलेटेड रिस्क छोड़ दी, वो सर हम बाद में जब आईसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, और क्या कमाल का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने मेरे साथ ऑडिट पढ़ा है तो चैप्टर 1 में आपको याद होगा हमने प्रपोज कैसे किया था अपनी गर्लफ्रेंड को, मेरी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी पर शक मत करना, याद है। मेरा बिहेवियर बिल्कुल प्रोफेशनल रहेगा, मैं प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हूं और आपकी सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, कम ऑन चार्ली। अब सर आपने प्रपोज किया था, उसने ना बोल दिया, और जैसे ही उसने ना बोला शरीर में एक वीकनेस सी आ गई, अपनी इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस पे डाउट होने लग गया, दोस्तों के सामने एक प्रेशर फील होने लग गया, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन करने का मन करता है, लिटरली मत लेना सिर्फ याद करा रहा हूं, ये है क्या, अच्छा टॉपिक क्या है, वेरी सिंपल, कंडीशन विच आर गोइंग टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनसे रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर बढ़ जाता है, बिल्कुल बीच में टॉपिक दे रखा इसे, हमने भी बोला हम पढ़ाएंगे सर। सो दीज आर द कंडीशन जिनकी वजह से आपका रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर बढ़ जाता है, वेरी सिंपल। उसने ना कह दिया, उसने ना कहा तो सर अजीब सी वीकनेस फील होती है, अपनी इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस पर डाउट होता है, अनयूजुअल प्रेशर फील होता है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन करने का मन करता है, और साथ साथ में सर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसमें, मैं ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन नहीं कर पा रहा। बस 5 पॉइंट रटने, इनको पढ़ के देखिए सर, हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे समझ आ जाएगा। जैसे कि एक करके दिखाता हूं, कंडीशन विच इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड एरर, वीकनेस इन द डिजाइन ऑफ आईसी। अगर सर किसी की कंपनी के आईसी में, आईसी के डिजाइन में वीकनेस है तो सर वहां पे अपने आप ही, आप बताइए ना, अपने आप ही सीआर बढ़ गया, सीआर बढ़ गया मतलब सर एरर के चांसेस बढ़ गए, एरर के चांसेस बढ़ गए तो सर ईमानदार वो जिसे मौका ना मिले वहां पे फ्रॉड के भी चांसेस बढ़ गए, राइट गाइस। सो इस तरीके से अपने 5 पॉइंट पढ़ने, जल्दी से पढ़ देता हूँ। इंटीग्रिटी और कॉम्पिटेंस और मैनेजमेंट पे डाउट हो रहा है आपको तो भी एरर के चांसेस हैं, अनयूजुअल प्रेशर एंटिटी पे, शेयर का प्राइस बढ़ाना है, सेल्स बढ़ी हुई दिखानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन चल रही है सर रिलेटेड पार्टी के साथ, बहुत मोटी मोटी पेमेंट्स जा रही है सर लॉयर्स वगैरह को, ऐसे लोगों को जिनका सर कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं उनको बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स जा रही है, ओके। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने में आपको हमेशा हिच रहती है, हमेशा दिक्कत आती है, राइट। लीजिए सर आधा चैप्टर सर हमारा रिवाइज हो चुका है, हमारा मेन जो पार्ट बचा है वो है आईसी 330, 265 और आपका इंटरनल ऑडिट। एंड आई होप गाइस आपने इसे एंजॉय किया है, और मुझे नहीं पता सर मैं एक साथ क्लब करके डालूंगा या फिर सर मैं अलग अलग वीडियो डाल दूंगा, बट मुझे ये वीडियो बनाने में खासा मजा आया और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी ये देखने मजा आया होगा अभी तक यहां का पार्ट। अब अगला पार्ट देखेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, हम लोग अब बात करने वाले हैं सर इंटरनल कंट्रोल के बारे में, ऑडिट। और इसी फ्लो में पढ़ें, जब भी आप ऑडिट रिस्क पढ़ें ऑडिट रिस्क के साथ सर ऐसे 315 का वो वाला पार्ट कंप्लीट करा दीजिए, कर लीजिए जो मैंने आपको कराया। अब बात करते हैं आईसी, आईसी की डेफिनेशन। आईसी इज अ प्रोसेस विच इज डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मैनेज एंड मेंटेन बाय टीसीडब्ल्यूजी
मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस विद रिस्पेक्ट टू फोर थिंग्स. रटने वाली चीज सर बहुत इंपॉर्टेंट, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सेफगार्डिंग ऑफ सर्टेन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसी, डायरेक्ट क्वेश्चन सर आईसीआई पूछ सकता है तो बिल्कुल मिस नहीं करके जाएंगे. तो फ्लो याद रखिएगा, आईसी की डेफिनेशन, आईसी का ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं. सो ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद दी मैनेज इन अकॉर्डेंस विद दी मैनेजमेंट जनरल और स्पेसिफिक ऑथराइजेशन. देखिए जब भी आईसी वर्ड आ जाए ना तो ऑथराइजेशन याद रखिए, राइट. जितने भी 1,00,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट होनी है उस पे सर हमें जनरल मैनेजर का साइन चाहिए. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ आईसी, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ आईसी, राइट. तो जितनी ट्रांजेक्शन हैं वो प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ हुई हैं, ट्रांजेक्शन होने के साथ साथ प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड भी हुई हैं करेक्ट अमाउंट पे और अप्रोप्रिएट अकाउंट में और सही अकाउंटिंग पीरियड में, प्रॉम्प्टली रिकॉर्डेड. Okay, then assets are safeguarded and records and recorded assets are compared with existing assets at reasonable interval and appropriate actions taken if there are any differences. तो देखिए ये definition लिखने के बाद आपको objective लिखना पड़ेगा और सर आपको लिखना पड़ेगा, number one, execute हो रही है proper authorization के साथ, जो transactions हो रही हैं वो promptly recorded है correct amount, correct account और correct accounting period में, ये बात आपने ध्यान रखनी है, राइट. एंड यस ऑब्वियसली एज पर दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये याद रखे आप, ये लिख के आप आ सकते हैं. एसेट्स को हमने सेफगार्ड कर रखा है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होने दे रहे हैं और साथ साथ में जो रिकॉर्डेड एसेट्स हैं सर उन्हें हम लोग रीजनेबल इंटरवल पे कंपेयर करते रहते हैं किसके साथ, एक्चुअल जो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनके साथ हम एक्चुअल एसेट्स के साथ कंपेयर करते रहते हैं, डिफरेंस को प्रॉपर एड्रेस करते हैं. नाउ बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग आईसी, ऑब्वियसली सर सबसे पहले आपको पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट के टाइप पता चल जाएंगे, किस तरह की मिस्टेक हो सकती है. एंड नीडलेस टू से सर रोमम जो है वो सर कितना है ये भी जानने में आपको हेल्प मिलती है, बेसिकली टू बी स्पेसिफिक सीआर कितना होगा ये जानने में आपको हेल्प मिलेगी. एंड नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर. सो अल्टीमेटली सर सारी बातें वहीं जाकर रुक रही हैं कि भाई आपको सीआर पता चलेगा, कंट्रोल रिस्क पता चलेगा तो सर आपको फैप फर्दर ऑडिट प्रोसेस में सर मदद मिलने वाली है, एनईटी नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग में आपको जो है वो मदद मिलने वाली है. लीजिए अब एक इंटरनल कंट्रोल सर ऑडिट के लिए रेलेवेंट है या नहीं बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार रीड करूंगा, मटीरियलिटी कितनी है. अगर सर वो इंटरनल कंट्रोल बहुत मटीरियल आइटम पर लगा हुआ है तो सर वो रेलेवेंट है. रिस्क कौन सा है, क्या वो रिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडिट के लिए, क्या वो रिस्क बहुत बुरी तरह से इंपैक्ट कर सकता है सर हमारे ऑडिट ओपिनियन को. एंटिटी का साइज कितना है, एंटिटी के नेचर, एंटिटी के बिजनेस का नेचर कितना है, एंटिटी कितनी डाइवर्सिफाइड है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. ऐसे ही याद करिए, मटेरियलिटी कितनी है, रिस्क का रेलेवेंस कितना है, साइज ऑफ एंटिटी क्या है, नेचर ऑफ एंटिटी बिजनेस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी इन एंटिटी क्या है और आपके पास एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है. अगर कोई एप्लीकेबल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है किसी आईसी को लेके तो सर वो आईसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके आप इसका रेफरेंस मटेरियलिटी के चैप्टर में ले सकते हैं. और साथ साथ में आपने देखना है कि सर कौन से आईसी के कौन से कंपोनेंट से रिलेटेड वो आईसी है, आईसी का कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है. कंपोनेंट सर हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, 5 कंपोनेंट होते हैं, डोंट वरी एट ऑल. उनके नाम अभी पढ़ा दूंगा, ये लीजिए नीचे लिखे हुए हैं सर, लेकिन उनकी डिटेल हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे. आईसी का कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व है, राइट. ओके जब हम कंपोनेंट पढ़ेंगे तो ये समझ आ जाएगी. देन साथ साथ में क्या हम कोई सर अपना आउटसोर्स, हमने कोई अपने आईसी वगैरह आउटसोर्स भी कर रखे हैं. एंड फाइनली सर एक कंट्रोल जो है वो सर कैसे इंपैक्ट डाल देता है किस पे, मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे कैसे प्रिवेंशन डिटेक्शन और करेक्शन कर रहा है. अगर वो प्रिवेंशन डिटेक्शन और करेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो सर वो ऑडिट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो प्रिवेंशन डिटेक्शन करेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है तो ऑडिट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ आईसी, वी हैव 5 कंपोनेंट्स ऑफ आईसी. इनको सर ऐसे नाम रटने से कोई फायदा नहीं है, नाम पढ़ लीजिए लेकिन इनको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी मजा आएगा. 5 कंपोनेंट्स क्या है जरा देखिए, दुख हो रहा है वो वीडियो जो देख ली ना मैंने आईसी वाली, दुख हो रहा है मुझे. 5 कंपोनेंट्स, कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज रैप, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. इन सबके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, एंटिटीज रैप, मैं ऑर्डर में बता रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5 सबके ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है, करेंगे. अभी के लिए पता मुझे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं. तो मैं आईसी का मीनिंग पता चल गया, ऑब्जेक्टिव पता चल गया, बेनिफिट्स सर ऐसी फर्जी थे, कंट्रोल्स रिलेवेंट टू ऑडिट थोड़ा सा सर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है लेकिन एग्जाम में सर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. और कंपोनेंट्स ऑफ आईसी सर ये भी पूछ सकते हैं 5 के 5, और नहीं तो आपसे सर एक एक पे भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, तो आपने ध्यान रखना है. आइए अब पढ़ते हैं सर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ आईसी. लोग बाग पुरानी इनहेरेंट लिमिटेशंस पढ़ाते जा रहे हैं, आईसी नया लिया है सर. तो ये है सर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ आईसी एज पर द लेटेस्ट आईसीआई सजेस्टेड आंसर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. लीजिए तो सबसे पहली बात इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, आईसी सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस. दूसरी इनहेरेंट लिमिटेशन, ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है.
तीसरी लिमिटेशन, सर आईसी लगा तो दिया लेकिन सर एक्चुअली में जो स्टाफ है वो इनकॉम्पिटेंट है, उसे पता ही नहीं आईसी को यूज कैसे करना है, या आईसी आपको कोई एरर की रिपोर्ट दे रहा है उसे पता ही नहीं कि एरर है। कॉल्यूजन अमंग पीपल, मिलीभगत, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैनेजमेंट सर जहां पे भी जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे अपने आप ही जो है रिस्क बढ़ जाता है, वहां पे अपने आप ही जो है लिमिटेशन आ जाती है। ओके बोलिए। तो मैनेजमेंट सर किसी असर्शन को लेके, किसी पॉइंट को लेके सर आईसी लगा सकती है, हो सकता है सर वो आईसी अप्रोप्रिएट वहां पे ना हो। देन लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटी, स्मॉल एंटिटी में सर एसओडी मुश्किल है। व्हाट इज एसओडी? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी मुश्किल है। व्हाई एसओडी इज नॉट प्रैक्टिकेबल, व्हाई एसओडी इज नॉट पॉसिबल? रीजन बींग स्मॉल एंटिटी है, कम इंप्लॉई है, एक ही इंप्लॉय को डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट हैंडल करने पड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा स्मॉल एंटिटीज में एसओडी मुश्किल है, लेकिन ओवरसाइट जो है सर वो कॉम्पनसेट कर सकती है एसओडी को, एसओडी की कमी को। ओवरसाइट किसकी? ओनर की ओवरसाइट जो है वो कॉम्पनसेट कर सकती है। तो पहले छह आइटम मेरे साथ बोलिए। सबसे पहला आइटम क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस, देन ह्यूमन जजमेंट, देन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस, देन कॉल्यूजन अमंग पीपल, जजमेंट बाय मैनेजमेंट, लिमिटेशन इन स्मॉल एंटिटीज। याद करने के लिए सबसे पहले क्या? रीजनेबल एश्योरेंस, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, पर्पस की कमी है, पर्पस समझने की कमी है, कॉल्यूजन, ये कीवर्ड्स दे रहा हूँ आपको, जजमेंट्स, एंड फाइनली स्मॉल एंटिटीज। दीज आर सम ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ व्हाट? आईसी। देन रिव्यू ऑफ आईसी बाय ऑडिटर, क्या आईसी को क्या आईसी का रिव्यू करना चाहिए ऑडिटर को? बिल्कुल करना चाहिए। व्हाई सर? टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट द आईसी सिस्टम ऑफ द क्लाइंट, जिससे हमें सर एश्योरेंस मिल पाए कि आईसी सिस्टम जो है वो एडिक्वेट है या नहीं। अब इसके लिए सर हमने शॉर्ट कोड बना रखा है। रोल एंड एडवांटेज ऑफ रिव्यू, शॉर्ट कोड बताऊं कि ना बताऊं? सोच रहा हूं अब शॉर्ट कोड बताऊंगा, आप लोग बोलोगे सर रटवाते हैं। भाई ये क्लास में समझाया हुआ है पूरा अच्छे से, लेकिन अब तो रिवीजन चल रही है। सो अरविंद केजरीवाल अकेला ही एडिक्वेट है, उसका मफलर उसे प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट करता है, नहीं उसका मफलर उसे प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट करता है, या फिर वो दिल्ली वालों को प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट करता है, या उसका मफलर उसे सेफ गार्ड करता है, वो लोगों की रिकॉर्डिंग कर लेता है। केजरीवाल की रिपोर्ट हमेशा रिलायबल होती है, उसे एक पर्टिकुलर एरिया में खासी होती है। मनीष सिसोदिया इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, कुमार विश्वास से सजेशन लेता है, धरने एक्सटेंसिव होते हैं, ये सारी टेक्निक उसने IIT में सीखी है। अब जिस बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है सर हमसे, उसको तो बिल्कुल फ्लो में एक बार मजा आ गया होगा, रिवीजन हो गई पूरी की पूरी। जिसने नहीं पढ़ा है भाई प्लीज़ जैसे मर्जी याद करो, लेकिन याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया है तो 2 मिनट साइलेंस है भाई, ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है, ये आउट ऑफ साइट है। एग्जाम में आने के हाई चांस है सर इस क्वेश्चन के। नीचे पूरी स्टोरी लिखने के लिए मैंने कुछ जगह दे रखी है। आइए देन, अब सर हमारे पास है टूल्स टू रिव्यू आईसीज। क्या करेंगे जल्दी बताइए? टूल्स टू रिव्यू आईसीज, इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने के लिए जो टूल यूज होते हैं, बेसिकली चार टूल हैं, नैरेटिव रिकॉर्ड, चेकलिस्ट, क्वेश्चनेयर, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, और फोर्थ नंबर पे क्वेश्चनेयर। मैं आपको कितने रिवाइज कराऊंगा? नैरेटिव कराऊंगा, चेकलिस्ट कराऊंगा, फ्लो चार्ट। क्वेश्चनेयर में आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क का मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है, होमवर्क का मतलब होता है कि खुद से करना है। ओके और उसके लिए नोट्स की जगह है, उसके नोट्स भी जो है यहाँ पे बना सकते हैं, अगर भाई जैसे हमारी क्लास के बच्चे तो उन्होंने बना लिए होंगे। नाउ व्हाट इज नैरेटिव रिकॉर्ड? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जैसा सिस्टम है उस सिस्टम का पूरा कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन लिखना, कीवर्ड्स कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन लिखना, राइट? कब रिकमेंडेड है? जब से फॉर्मल सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल नहीं है स्मॉल बिजनेस के केस में। डिसएडवांटेज क्या है? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने सर रनिंग नोट्स लिखे हैं आईसी के बारे में, गड़गड़ 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 गड़गड़, एंड सर इतनी जल्दी से आप उसके अंदर चेंज भी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो रिकॉर्ड, आपने जो नोट्स लिखे हैं आपको पूरे बदलने पड़ेंगे। चेकलिस्ट वेरी सिंपल गाइस, चेकलिस्ट से सिंपल कोई चीज़ है नहीं। आपने क्या किया? या तो इंस्ट्रक्शन बना ली या फिर क्वेश्चन आंसर्स बना लिए। अब ऑडिटिंग स्टाफ जाएगा और सर साथ साथ में वो बस एक तरह से इंटरव्यू लेके इसका आंसर करता जाएगा, राइट? देखिए, अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड और क्वेश्चंस व्हिच अ मेंबर ऑफ द ऑडिटिंग स्टाफ मस्ट फॉलो और एंड और आंसर। ओके, अब जो इंस्ट्रक्शन अपनी कंप्लीट कर देगा वो साथ में सर अपने साइन भी कर देगा, जिससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ओके, आंसर सर जनरली कैसे होते हैं? येस, नो और नॉट, येस नो और नॉट एप्लीकेबल। एडवांटेज क्या है सर? आर्टिकल्स की सर थोड़ी मौज आ रही रहती है, आर्टिकल्स थोड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं, तेरा भाई आज चेकलिस्ट भर रहा है, राइट? और सीनियर सर उसको स्टडी कर सकता है ताकि वीकनेस आराम से ओवरलुक हो जाए, सॉरी ओवर वीकनेस ओवरलुक ना हो, और वीकनेस आसानी से लोकेट भी की जा सकती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने। डिसएडवांटेज क्या है? अब मैं आपसे पूछ लूँ, क्या आपने कभी अपनी वाली को धोखा दिया है? आप बोलोगे नो, क्योंकि वो भी वीडियो देख रही होगी, आप कभी येस थोड़ा बोलोगे। सो मैनेजमेंट कैन मैन्यूपुलेट, सबसे इंपॉर्टेंट, क्लाइंट कैन मैन्यूपुलेट, एंड ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, आर्टिकल है, मस्ती में रह के काम करेगा, एंड साथ साथ में सर इंटेलिजेंस चाहिए सर चेक, प्रॉपर चेकलिस्ट बनाने के लिए। प्रॉपर चेकलिस्ट नहीं बनी तो पूरा का पूरा आपका जो ये प्रोपागेंडा था चेकलिस्ट का वो फेल हो जाएगा।
सो क्वेश्चंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऑडिट स्टाफ इसको फिल करता है, फिल करने के बाद अपने इनिशियल्स डाल देता है, जनरली सर आंसर येस नो नॉट एप्लीकेबल पे होता है, एडवांटेज है ऑन जॉब है, मोटिवेटेड रहता है बंदा, कंप्लीट चेकलिस्ट सीनियर स्टडी करता है तो सर ओवरलुक नहीं हो सकती वीकनेस, और वीकनेस आसानी से लोकेट हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा सर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए चेकलिस्ट बनाने के लिए, टाइम कंज्यूमिंग है और क्लाइंट आसानी से क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। नाउ फ्लो चार्ट सबसे गजब है सर, ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन पूरे आईसी की, जैसे मैं चार्ट्स बनाता हूँ ना वैसे इन्होंने रिप्रेजेंटेशन कर रखे पूरे आईसी की, बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, कंसाइज फॉर्म में आपको मिल जाता है, तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन मोस्ट कंसाइज राइट, और साथ साथ में नैरेटिव एक्सप्लेनेशन मिनिमाइज है, यानी कि बहुत लंबे लंबे चौड़े चौड़े सेंटेंसेज नहीं लिखे हैं, ओके तो नैरेटिव एक्सप्लेनेशन मिनिमाइज है जो और कहीं पे आपको नहीं मिल सकती, और आपको क्या मिल जाता है, बर्ड्स आई व्यू दे देता है, यानी कि आपको एक बार में पूरा का पूरा आईसी जो है वो दिख जाता है। ओके बोलिए बोलिए बेटा, आपको एक बार में पूरा का पूरा व्यू जो है वो दिख जाता है। ओके और लास्ट में ये आपको बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर समझने में मदद करता है, जिससे आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव मिल जाता है, एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है। सो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, कंसाइज फॉर्म है, प्रेजेंटेशन में नैरेटिव एक्सप्लेनेशन कम से कम होती है, बर्ड्स आई व्यू मिल जाता है, आप सब बिजनेस के सिग्निफिकेंट फीचर समझ सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा पर्सपेक्टिव जो है वो मिल जाता है। लीजिए आईसी क्वेश्चन है सर, आपके लिए होमवर्क है, 315 सर हम लोग काफी आगे तक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, अभी इंटरनल कंट्रोल में कंपोनेंट्स बचे हैं वो हम सबसे एंड में कवर करने वाले हैं। अब जरा बात करते हैं आईटी रिलेटेड रिस्क, आईटी रिलेटेड रिस्क का मैंने शाहरुख खान के साथ एक स्टोरी बना रखी है, शाहरुख खान सर क्यों फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि वो सर ऐसे सिस्टम और प्रोग्राम पर रिलाई करता है, या तो जो प्रोसेसिंग गलत कर रहे हैं या तो जो इनएक्यूरेटली प्रोसेस कर रहे हैं, इनएक्यूरेटली प्रोसेसिंग डाटा, प्रोसेसिंग गलत कर रहे हैं या प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डाटा, यानी इनपुट गलत है या प्रोसेसिंग गलत है, ऐसे सिस्टम और प्रोग्राम पे कभी कभी हम लोग रिलाई करते हैं ऑडिट कर समय, या आप क्लाइंट के आईटी आईसी की बात करें, क्लाइंट का आईसी सर आजकल आईटी बेस्ड हो गया है, और आईटी बेस्ड होने के साथ साथ सर वो ऐसे सिस्टम बन चुके हैं जो या तो गलत प्रोसेसिंग कर रहे हैं या गलत डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यानी कि सर या तो इनपुट गलत है या तो प्रोसेसिंग गलत है। देन आईटी के और भी रिस्क हो सकते हैं, आईटी से रिलेटेड और के रिस्क हो सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा मिल सकता है, अनऑथराइज चेंज टू डेटा हो सकता है, अनऑथराइज चेंज टू सिस्टम हो सकता है, तो अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, अनऑथराइज चेंज टू डेटा, अनऑथराइज चेंज टू सिस्टम। ओके देन आईटी में सर कभी कभी ये पॉसिबल है कि सर आपको प्रिविलेज बियॉन्ड नेसेसरी, यानी जितनी चीज़ें चाहिए थी उससे ज़्यादा आपको नेसेसरी चीज़ें मिल जाएं, और इससे सर किसी के पास जो है सर अगेन दिस लीड्स टू अनऑथराइज डेटा, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा। एंड साथ साथ में सर कभी कभी क्या होता है, हम लोग सर आईटी के हिसाब से आईटी हमने लगा तो ली, लेकिन सर हम साथ साथ उसमें अंदर जो है चेंज नहीं कर पाते, एंड आईटी में सर मैनुअल इंटरवेंशन अगर आ जाए तो आईटी का आईटी बेस्ड आईसी का काम खराब हो सकता है। फिर से सुनिए, देखिए मैंने सारी चीज़ें क्लास में बहुत अच्छे से समझाई हैं, मुझे अभी आपको यहाँ पे पॉइंट्स याद कराने हैं। सो आईटी रिलेटेड रिस्क क्या क्या है सर, ऐसे सिस्टम और प्रोग्राम पे हम लोग कभी कभी रिलाई करते हैं जो या तो गलत प्रोसेसिंग कर रहे हैं या गलत डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे याद रखिए इनपुट सही था लेकिन प्रोसेसिंग गलत थी, यहाँ पे आपका इनपुट ही गलत आया है, हम ऐसे सिस्टम पर रिलाई कर रहे हैं जो सर गलत प्रोसेसिंग कर रहे हैं, गलत इनपुट, गलत डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। देन सिस्टम के अंदर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है डेटा को, चेंज कर सकता है डेटा को, या फिर सिस्टम चेंज कर सकता है। प्रिविलेजेस बियॉन्ड नेसेसरी भी कभी कभी मिल जाती हैं, अगेन जिससे सर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी खत्म हो जाती है और एक ही बंदा बहुत सारे काम जो है वो अकेला कर सकता है, अल्टीमेटली इट विल लीड टू फ्रॉड्स एंड एरर्स। देन हमें सर हम सिस्टम को अपडेट नहीं कर पाते प्रॉपरली और मैनुअल इंटरवेंशन के चांसेस हैं, और मैनुअल इंटरवेंशन आईटी में आते ही ऑटोमेशन टूटती है और काम खराब हो जाता है। लीजिए अब बात करते हैं सर आईटी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वेरी सिंपल सर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे पहले बेनिफिट है कंसिस्टेंसी, एक बार आपने रूल बना दिया अब सर वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होता रहेगा, जो कि मैनुअल केस में नहीं होता था। आईटी का दूसरा बेनिफिट टाइमलीनेस, अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है सर वो टाइमली मिलेगी और समय पे मिलेगी और एक्यूरेट मिलेगी, समय पे मिलेगी और हमेशा मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि सर आप लोगों को भाई रात तक वेट करना पड़ेगा आज मिस्टर शर्मा से बात करनी, शर्मा जी उठेंगे तो नहीं, आप कंप्यूटर में लॉग इन करो अवेलेबल है और एक्यूरेट मिलेगी। एडिशनल एनालिसिस हो सकता है सर, आप एक्सेल की बात करिए, आप एक्सेल में सर कितने ज़बरदस्त एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। देन उसके बाद आपकी एबिलिटी टू मॉनिटर, इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अपने ऑफिस में भाई एमआई वाले कैमराज लगा दिए हैं, घर पे बैठता हूँ ऐप में 360 डिग्री घुमा के देखता रहता हूँ, जस्ट वन एग्जांपल। अब इसको सर आप अपने इंटरनल कंट्रोल में कैसे लगा सकते हैं आप सोचिए। ओके साथ साथ में रिस्क के सरकमवेंट होने की, कंट्रोल के सरकमवेंट होने की, यानी कंट्रोल को तोड़ने की, कंट्रोल को ब्रीच करने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि आईटी कंट्रोल्स को तोड़ पाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली। देखिए जो बोलना है ना उसके कॉन्टेक्स्ट में बोलना पड़ेगा,
अगर ये डिसएडवांटेज बता रहे होते तो सर हम बोलते कि भाई आसान होता है तभी तो अनऑथराइज एक्सेस मिल रहा था, तो जो बोला उसका कॉन्टेक्स्ट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बेनिफिट्स बता रहे हैं तो बता रहे हैं जी कंट्रोल को थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है। एंड देन आईटी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी काफ़ी आसान हो सकती है, आप अलग अलग लेवल पर जो है लोगों को चीज़ें बांट सकते हैं, आप बैकएंड एक्सेस दे सकते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट राइट्स। आप एक बार बैंक ऑडिट का अगर चैप्टर पढ़ेंगे आप अगर कोर बैंकिंग सिस्टम का अगर चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 5 ऑफ ईआईएस, तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा कि वहाँ पे भाई मैनेजर के पास क्या राइट्स हैं, रिलेशनशिप मैनेजर के पास क्या राइट है, ब्रांच मैनेजर के पास क्या राइट है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, कंसिस्टेंसी, टाइमलीनेस, अवेलेबिलिटी एंड एक्यूरेसी, एनालिसिस, मॉनिटर, कंट्रोल्स कैन नॉट बी सर्कमवेंटेड ईजिली एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बिकम्स ईजी। डन, ये लीजिए सर हमारा काफ़ी हद तक सर चैप्टर अब जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास मेनली एक इंटरनल ऑडिट बचा है, ऐसे 330 का एक हवाई यात्रा है। हवाई यात्रा क्यों, कायदे से सर वो आईसीए बोलता है कि सिलेबस डिलीट कर दिया है, और ऐसे 265 की भी एक हवाई यात्रा है, वो भी सर आईसीए बोलते हैं कि डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी सर हम लोग देख के ज़रूर जाएंगे कि हमसे वो क्या पूछना चाहते हैं। तो अब हम लोग सर सबसे पहले इंटरनल ऑडिट पढ़ेंगे, इंटरनल ऑडिट पढ़ने के बाद हम लोग सर चलेंगे अपने ऐसे 330 पे, ऐसे 330 के बाद हम लोग चलेंगे ऐसे 265 पे, ऐसे 265 के बाद सर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं हम लोग उनको पढ़ेंगे, राइट। चलिए जी वापस चलते हैं और अब इंटरनल ऑडिट वाला जो पॉइंट है उसको हम जल्दी से शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। अब इंटरनल ऑडिट की बारी है। इंटरनल ऑडिट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको पक्का 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 याद करनी है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो सबसे पहले देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन, ओके, कॉन्टिन्यूस एंड क्रिटिकल अप्रेजल। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस और क्रिटिकल अप्रेजल है किसका, फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी का। भाई एंटिटी का जो फंक्शनिंग है उसको हम अप्रेज करते जाएंगे, इवेल्युएट करते जाएंगे, और ये बात याद रखिएगा इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है। अगर कभी भी कोई पूछ ले कि स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी कि एक्सटर्नल ऑडिट ज़्यादा इंडिपेंडेंट है या इंटरनल ऑडिट, तो आप बोलेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिट ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंटरनल ऑडिट भी इंडिपेंडेंट होता है। ओके अच्छा जी, देन विद अ व्यू टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स देयर टू, याद रखिएगा ये इंटरनल ऑडिट फंक्शन मैनेजमेंट को इंप्रूवमेंट सजेस्ट करता है कि कैसे आप अपनी कंपनी की फंक्शनिंग को सुधार सकते हो। एंड ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं ना, मैं क्लास में इसमें आधा आधा पौना पौना घंटा लगाता हूँ सिर्फ एक वर्ड समझाने में, और वो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसमें समय लगाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आपका एक माइंड सेट डेवलप करेगा। और वर्ड क्या है ज़रा देखते हैं, एंड एड वैल्यू टू एंड स्ट्रेंथन द ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑफ द एंटिटी, ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग एंटिटी स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सो बेसिकली आपका इंटरनल ऑडिट आपको तीन फील्ड में हेल्प करने वाला है, गवर्नेंस मैकेनिज्म सुधारेगा आपका, स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट सुधारेगा आपका, और इंटरनल कंट्रोल सुधारेगा आपका, राइट। इंटरनल ऑडिट में करते क्या है, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस और क्रिटिकल अप्रेजल करता है फंक्शनिंग ऑफ एंटिटी का, राइट, और इंप्रूवमेंट सजेस्ट करता है। फिर ये तीन चीज़ें याद रख लीजिए, गवर्नेंस मैकेनिज्म, एंटिटीज स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको सर समझ पहले से आपको होनी चाहिए, रिवीजन वीडियो के टाइम पे हम इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं सर कंपनीज एक्ट की, कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है सेक्शन 138, जो ये मैंडेटरी कर देता है कुछ कंपनीज के लिए कि भाई ऐसा है कि आप लोगों को तो इंटरनल ऑडिट करवाना ही करवाना है। सुपर ऑडिट सर, मैं इसको सुपर इंपॉर्टेंट सर मैं इसको मार्क कर रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी लॉ जो है, नया कंपनीज एक्ट जो है 2013 वाला, वो एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, वो बार बार बोल देता है सच एज में प्रिस्क्राइब। तो 138 ने सिर्फ ये बोल दिया उन कंपनीज को जिनको हम प्रिस्क्राइब करेंगे इंटरनल ऑडिट रखना जो है वो मैंडेटरी है, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, और अदर प्रोफेशनल एज में डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। क्वालिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA अगेन यानी कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर अदर प्रोफेशनल एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। ओके अच्छा जी, देन उसके बाद सर CG के लिए CG को पावर दे दी कि भाई CG में बाय रूल प्रिस्क्राइब द मैनर एंड द इंटरवल इन विच इंटरनल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड टू द बोर्ड। अगर आप ध्यान से देखें तो सेक्शन बिल्कुल खोखला है, इस सेक्शन सिर्फ क्या बोल के चला गया, भाई उन कंपनीज को जिनको हम प्रिस्क्राइब करेंगे इंटरनल ऑडिटर रखना जरूरी है, इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है जो बोर्ड डिसाइड करेगा। अच्छा जी लीजिए, देन रूल 13 में चलते हैं, रूल 13 में अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा एज मे डिसाइडेड बाय द बोर्ड है, बोर्ड। ओके, रूल 13 चलते हैं सर, कौन कौन सी कंपनी को जो है इंटरनल ऑडिटर रखना अब मैंडेटरी हो चुका है। तो रूल 13 का सब रूल 1 सबसे पहले बोलता है जी लिस्टेड कंपनी,
ओके, देन अनलिस्टेड कंपनी, लेकिन शेयर कैपिटल ध्यान रखना है, टर्नओवर ध्यान रखना है, लोन एंड बोरिंग ध्यान रखनी है, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ध्यान रखना है. शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट. टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, राइट. तो ये चारों पहले तो देख लो, जो देख लीजिए, आपका सबसे पहले पेड अप शेयर कैपिटल आ गया, टर्नओवर आ गया, आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग हो गया, और डिपॉजिट्स हो गए, राइट. सो अगर लिस्टेड है तो भाई मैंडेटरी है. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, याद रखिएगा, अनलिस्टेड पब्लिक. अनलिस्टेड पब्लिक के केस में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ रुपीज और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग हमारा कितना होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग एक्सीडिंग 100 करोड़ और मोर, और अंडरलाइन करी इस बात को, एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एन आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ 25 करोड़ रुपीज और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. डिपॉजिट्स के लिए 25 करोड़ और मोर कर दिया आपके लिए, लोन एंड बोरिंग मिला के आपके लिए 100 करोड़ कर दिए हैं. अच्छा, प्राइवेट कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए एक टर्नओवर क्राइटेरिया लगा दिया है और एक आपका लोन एंड बोरिंग का क्राइटेरिया लगा दिया. डिपॉजिट वाला क्राइटेरिया और पेड अप शेयर कैपिटल वाला क्राइटेरिया है ही नहीं, डिपॉजिट एप्लीकेबल भी नहीं हो सकता था, और पेड अप शेयर कैपिटल वाला इनको रिलैक्सेशन दे दी गई. तो टर्नओवर सेम अमाउंट इन्होंने सेम रखा है, अमाउंट सेम रखा है, टर्न ओवर 200 करोड़ और मोर, और आपका आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग एक्सीडिंग 100 करोड़ रुपीज और मोर, राइट. और बस याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग हमने जो चेक करनी है वो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम करनी है, और बाकी चीज हमने एज ऑन बैलेंस शीट डेट जो है वो चेक करनी है. ओके, देन ये प्रोविजो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सर पुराना हो चुका है, अपने काम का नहीं है. देन उसके बाद बता दिए कि इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है. सबसे पहले तो मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में सर ये पूछा जा सकता है ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, तो इसको प्लीज गलती मत करके आइएगा इसमें. लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, सर आपको बता रखा है कि वो भाई जो डिफाइंड है जैसे इस एक्ट में, उनको आप वहीं से जो है देख सकते हैं. देन उसके बाद अगर सर ऑडिट कमेटी है कंपनी की, तो ऑडिट कमेटी सर इन कंसल्टेशन विद इंटरनल ऑडिटर फॉर्मुलेट स्कोप फंक्शनिंग पीरियडिसिटी एंड मेथोडोलॉजी ऑफ कंडक्टिंग द इंटरनल ऑडिट. तो ऑडिट कमेटी सर जो है आपका मेथोडोलॉजी और पीरियडिसिटी और फंक्शनिंग और स्कोप फंक्शनिंग पीरियडिसिटी और मेथोडोलॉजी जो है वो फॉर्मुलेट कर देगी, खत्म, बस दैट्स इट, राइट. सो ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन जल्दी से देखते हैं. डिपेंड्स ऑन साइज एंड स्ट्रक्चर. तो अगर बड़ी एंटिटी है सर तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी इन द सेंस अगर जैसे कि हमारी जो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, अगर नहीं है तो भी सर हमें लग सकता है कि क्योंकि साइज बहुत बड़ा है वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल नहीं करी, लेकिन फिर भी उसका इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो या ना हो ये उसके साइज पे, ये उसके स्ट्रक्चर पे जो है डिपेंड करता है. रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG. अच्छा, इसमें होता क्या है, एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज होती हैं. अच्छा, क्या इंटरनल ऑडिटर सिर्फ एम्प्लॉय हो सकता है? नो, आउटसोर्स भी कर दिया जाता है ये काम, और जितनी भी बड़ी कंपनीज को आप देखेंगे वो आउटसोर्स ही करके चलती हैं इस काम को. देन डिजाइन टू इवैल्यूएट एंड इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द एंटिटी. अल्टीमेटली सर हमने इन तीन चीज़ों पे काम करना है कि भाई एक तो हमारी इफेक्टिवनेस बढ़े, और गवर्नेंस प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये तीनों चीज़ मैंने आपको पहले ही जो है वो याद करा दी थी. अब ये पेज आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप उसको जरूर, जब भी आपने अगर मुझसे क्लासेस लिए तो आपने देखा होगा मैंने इस पर कितना समय लगाया था, लेकिन फिर भी एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं. ओके, देन वापस ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में आ गए सर हम लोग. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ आईसी में हमने पहले तो इसको ब्रीफ में जो है यहाँ पे पढ़ लिया था, अब इसको थोड़ा डिटेल में जो है हम यहाँ पे जल्दी से कवर कर लेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें जो है वो और यहाँ पे कवर होती हैं. तो गवर्नेंस रिलेटेड क्या एक्टिविटी कवर होगी, रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड क्या एक्टिविटी कवर होगी, और आईसी से रिलेटेड जो है क्या एक्टिविटी कवर होगी, राइट. लीजिए, सो इंटरनल ऑडिट फंक्शन गवर्नेंस प्रोसेस को असेस करेगा कि गवर्नेंस प्रोसेस, अब गवर्नेंस क्या होता है, ऑल दो इस चार्ट में बहुत अच्छे समझा रखा है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो सिर्फ तीन वर्ड बोल देता हूँ, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है, राइट. गवर्नेंस का जो प्रोसेस है वो सर अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पा रहा है या नहीं, राइट. सो इंटरनल ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, ये होना चाहिए यहाँ पे, इंटरनल ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं जो गवर्नेंस का प्रोसेस है वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहा है या नहीं, राइट. और साथ साथ में अब इंटरनल ऑडिट से हम एक चीज़ और देखते हैं, वी विल आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू रिस्क एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंप्रूवमेंट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल. अगर मैं सिंपली देखूं, इस बात को ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इसको, इंटरनल ऑडिट फंक्शन से मैनेजमेंट खुद अपने रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करती है, और अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करने वाले प्रोसेस को सुधारती है, अपने रिस्क को कम करती है. इंटरनल ऑडिटर सजेशन देता है कि इस एरिया में रिस्क ऐसे प्लीज कम कीजिए, राइट. अब कई अति दुखी आत्माएं बोलेंगी, सर रिस्क असेसमेंट करना तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर काम था. अरे भाई नहीं, पहले स्टेज आप ऑडिट को छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं ना इंटरनल ऑडिट का, आप अभी ऑडिट से कट कर दीजिए मामला, छोड़ दीजिए ऑडिट को बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनिए.
अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट मुझे ऑडिट करवाना है या नहीं, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा टर्नओवर मान लेते हैं सर 2 करोड़ से नीचे है, मुझे टैक्स ऑडिट नहीं कराना, मुझे कंपनीज एक्ट में ऑडिट नहीं कराना, क्या मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन रखूँ? बिल्कुल रखूँगा। क्यों? इसलिए ताकि सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिस्क हैं वो मुझे पता चलेंगे। चलिए तो अब आते हैं सर, तो एक्टिविटी रिलेटेड टू गवर्नेंस क्या है ये पता चल गया, एक्टिविटी रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट क्या है ये पता चल गया, अब एक्टिविटी रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल क्या है ये बता देते हैं जी। ओके चलिए, एक्टिविटी रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल क्या है ये भी जल्दी से देख लेते हैं। 4 एक्टिविटी है इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटेड। नंबर 1, सबसे पहले तो इवैल्यूएशन ऑफ आईसी। किस चीज़ का इवैल्यूएशन? सर जितने भी कंट्रोल्स हैं उनको रिव्यू करना, वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना। देन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन। इसको आप ऐसे समझिए कि इन्फॉर्मेशन जो है वो आइडेंटिफाई कैसे की जाती है, रिकग्नाइज कैसे की जाती है, मेजर कैसे की जाती है, क्लासीफाई कैसे की जाती है, और साथ साथ में जो रिपोर्टिंग है फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन की वो सर प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है, राइट? सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पहले ओवरऑल आईसी की बात कर ली। ओवरऑल आईसी सर कैसा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स है नहीं, सच बताऊं तो डिजाइन इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस पे बात कर ली हमने। देन उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा कि भाई फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रिकग्नाइज कैसे करते हैं, मेजर कैसे करते हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं, रिपोर्ट कैसे करते हैं फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन को। रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वेरी सिंपल सर, आप अगर इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन पढ़े तो वहां पे 4 बातें लिखी होती थी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सो सच बताऊं तो ये वाला पार्ट जो है आपका रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट कर सकते हैं आप लोग, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये वाला पार्ट जो आप इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन से रिलेट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि सर इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो है वो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इकोनॉमी का मतलब है कि कम से कम एफर्ट्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकाल रहे हैं नहीं, कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिटर्न निकाल रहे नहीं, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है, राइट? अच्छा जी, उसके बाद यहां पर जब आप आते हैं तो कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो रिव्यू कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन एंड अदर एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट एंड विद मैनेजमेंट पॉलिसी डायरेक्टिव्स एंड अदर इंटरनल रिक्वायरमेंट। तो आपके एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट और इंटरनल रिक्वायरमेंट से हम लोग एक्चुअली में कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब क्विकली देखते हैं इसको, तो हमें 4 चीज़ों पे ध्यान रखना है आईसी से रिलेटेड एक्टिविटी जो इंटरनल ऑडिट में होती है। एक तो ओवरऑल हम देखेंगे सर वो डिजाइन इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन है नहीं, फिर उसके बाद एक सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट वाला निकाल दीजिए, बाकी 3 सर इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन से उठा लाइए। नंबर 1 सर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि आइडेंटिफाई, रिकग्नाइज, मेजर, क्लासीफाई, रिपोर्ट जो है प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। नंबर 2 इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन ऑपरेशन है या नहीं है, एंड नंबर 3 कंप्लायंस विद एंड रेगुलेशन प्रॉपरली है या नहीं है। दैट्स इट। तो अब आप देखें इंटरनल ऑडिट का टॉपिक सर यहां पे जो है आके हमारा समाप्त हो जाता है, जो मोटा टॉपिक है, राइट? अब उसके अंदर क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी। तो इंटरनल ऑडिट क्या है भाई, एक इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन है जहां पे हम कंटीन्यूअस और क्रिटिकल अप्रेजल करते हैं मैनेजमेंट की फंक्शनिंग का, और साथ में इंप्रूवमेंट भी जो है सजेस्ट करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे तो सर ये 3 फील्ड्स में काम करता है, नंबर 1 आपकी गवर्नेंस को लेकर, रिस्क को लेकर और इंटरनल कंट्रोल को लेकर। ओके, देन इसके बाद सेक्शन 138 आता है। सेक्शन 138 खोखला सेक्शन है, वो बोलता है कि सर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज को इंटरनल ऑडिटर रखना मैंडेटरी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर और भी कोई क्वालिफिकेशन वाला हो सकता है, एज प्रिस्क्राइब बाय दी, एज डिसाइडेड बाय दी बोर्ड, राइट? और सीजी को पावर दे दी कि सीजी जो है इसके लिए रूल बना सकती है। तो अब इंटरनल ऑडिटर रखना किसको मैंडेटरी है, गोल्ड पढ़ रहे हो आप इस समय, गोल्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इंटरनल ऑडिटर रखना सर हर लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करूं तो 4 क्राइटेरिया है, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, लोन्स एंड बोरिंग्स एंड डिपॉजिट। पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर, टर्नओवर 200 करोड़ और मोर, आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर 100 करोड़ और मोर, एंड देन आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट की बात करते हैं तो 25 करोड़ और मोर। प्राइवेट कंपनी के लिए सर 2 ही कंडीशन देखनी आप लोगों ने, कंडीशन देखने से एक टर्नओवर वाली और दूसरी आप देखनी आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरिंग वाली, राइट? इसके बाद सर इंटरनल ऑडिटर एम्प्लॉय हो भी सकता है और एम्प्लॉय नहीं भी हो सकता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट का मीनिंग सर आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एक्स उठा लेंगे। अगर ऑडिट कमेटी है सर, ऑडिट कमेटी जो है इंटरनल ऑडिटर के साथ मिलकर स्कोप, फंक्शनिंग, मेथोडोलॉजी एक्सेट्रा जो है डिसाइड करेगी इंटरनल ऑडिट का। देन इंटरनल ऑडिट सर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप की बात करूं तो सर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप डिपेंड करता है साइज और स्ट्रक्चर पे, इसके अंदर एश्योरेंस और कंसल्टिंग एक्टिविटीज होती हैं, एंड साथ साथ में इट इज डिजाइंड फॉर इवैल्यूएटिंग 3 थिंग्स, इवैल्यूएटिंग एंड इंप्रूविंग 3 थिंग्स, गवर्नेंस मैनेजमेंट, आपका गवर्नेंस मैकेनिज्म, उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट, एंड देन आपका इंटरनल कंट्रोल। अब इन तीनों को लेकर क्या क्या एक्टिविटीज होती है जरा सुन लीजिए, ये तीनों को लेकर सर एक्टिविटीज होती है। गवर्नेंस में हम लोग चेक करते हैं जो गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव मीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट हम लोग चेक करते हैं कि जो एंटिटी है सर अपने रिस्क को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पा रही है, और साथ साथ रिस्क को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के बाद उनके लिए जो इंप्रूवमेंट सजेशन है वो दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, या बेसिकली अपना रिस्क कम कर पा रही है नहीं। एक्टिविटीज रिलेटेड टू आईसी की अगर बात करता हूं तो सिंपली स्पीकिंग डीआई
DIM कर पा रही है नहीं, डिजाइन IC के लिए चेक करते हैं, इंटरनल ऑडिटर चेक करता है कि IC DIM कर पा रहा है या नहीं। फिर दूसरी चीज़ हम लोग चेक करते हैं कि IC जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्ट, हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो हमारी रिलायबल हो रही है नहीं हो रही, यानी कि आइडेंटिफाई, मेजर, क्लासीफाई, रिपोर्टिंग एटसेट्रा प्रॉपर है या नहीं आइटम्स की। देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी है या नहीं है, इकॉनमी ऑब्जर्व की जा रही है नहीं की जा रही है। एंड फाइनली हम लोग देखते हैं सर कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन है या नहीं। ओके, अब सर बात करते हैं, हमारे पास कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें और वो क्या है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ही बेसिक है, आपसे ज़्यादा इसको ICAI जो है आपको ज़्यादा इसके ऊपर परेशान नहीं करेगा। और उसके बाद सर मोटा मोटा हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, दो एसेज बचते हैं और सर इंटरनल कंट्रोल के कॉम्पोनेंट बचते हैं। इंटरनल कंट्रोल के कॉम्पोनेंट मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको बोल दूँ कि आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, एक आधा मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, लेकिन मेनली अब मैं सर आपको दो एसेज कराने वाला हूँ। सच बताऊँ तो दो एसेज सर ICAI बोलते डिलीट हो चुके हैं, लेकिन ICAI सर साथ साथ में ये भी स्टैंड ले लेता है कि अगर किसी चैप्टर में तो वो कवर करने हैं, इसलिए हम लोग सर इसको जो है यहाँ पे जल्दी से अपने रिवीजन वीडियो में कवर कर देंगे। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है और उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे पास दो टर्म है, एक है सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और दूसरा है इंटरनल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इसे हम लोग इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कह के भी एड्रेस कर सकते हैं। सो जब मैं बात करता हूँ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये एक ब्रॉड टर्म है, और जब मैं बात करता हूँ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये एक नैरो टर्म है और ये जो है इसी का पार्ट है। हमारे ऑडिटर जो होंगे, हमारे जो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, उनका सर जो बेस बनेगा, उनको जो रिपोर्टिंग करनी होगी वो करनी होगी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओनली। अभी मैं आपको सर सेक्शन बताऊंगा कहां पे बात लिखी है। सो IFC इज ब्रॉड, IFCFR इज नैरो, IFCFR इज अ पार्ट ऑफ IFC और यू कैन से IFC कंसिस्ट IFCFR। आपको बुक में बार बार ICFR लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन आप इसे IFCFR भी बुला सकते हैं। इट इज डिफाइंड इन लॉ और IFCFR सर डिफाइन करता है गाइडेंस नोट जो कि इंस्टीट्यूट ने इशू किया है। ऑडिटर सर इसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं देगा, ऑडिटर इसके ऊपर ओपिनियन देगा। कई बच्चे मुझसे यहाँ पे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर इंटरनल कंट्रोल पे तो ऑडिटर को ओपिनियन नहीं देना होता है। देखिए इंटरनल कंट्रोल में अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो कोई भी ऐसे आपको ओपिनियन देने को नहीं बोलता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लॉ तो सर हमें लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। और कंपनी लॉ के सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज, जो आखिरी क्लॉज है सबसे नाइन्थ नंबर का, उसके अंदर जो है सर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, और जो हमारे बच्चे होंगे उनको याद आ गया होगा, नाइन नाइन वाइन 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 पीते ही क्या खो जाते हैं अपने इंटरनल कंट्रोल। ओके, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं कैसे लिखा हुआ है। देखिए क्लॉज आई ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स द कंपनी ऑडिटर टू रिपोर्ट वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्लेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल। सो IFCFR की बात चल रही है, आप इसे FR पढ़ें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ें, उसकी बात चल रही है, उसके ऊपर जो है ऑडिटर को ओपिनियन देना होता है। इवन मैंने सर एक कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट से लाइन निकाली है, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द कंपनीज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन अवर ऑडिट। राइट सर, हमें तो विश्वास नहीं होता कि कंपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी कोई बात लिखी होती है। तो चलिए सर रिलायंस की हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में चलते हैं, और रिलायंस की सर इस समय आपके सामने जो है स्क्रीन पे ऑडिट रिपोर्ट है, और ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर यहाँ पे साफ लिखा है, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द IC रिलेवेंट टू द ऑडिट इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर दैट आर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई ऑफ द एक्ट वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिंग अवर ओपिनियन ऑन वेदर द कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन प्लेस एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सच कंट्रोल। याद रखिएगा क्लियरली बोल रहे हैं सर जी, कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस and the operating effectiveness of such control, okay? इस बात को अपने ध्यान रखना है। और अगर आप आगे भी चलेंगे तो आगे इन्होंने और क्लियर कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ द कंपनी विद रेफरेंस टू दिस अवर सेपरेट रिपोर्ट इन एनेक्सचर 2 टू दिस रिपोर्ट। तो सर जी आपको एनेक्सचर 2 भी जो है एक बार दिखा दिया जाए कि एनेक्सचर 2 के अंदर इन्होंने क्या लिखा है, आप देखिए क्या चीज जो है ये लिखते हैं, वी हैव ऑडिटेड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बार बार सर आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई हमने जो ऑडिट किया है वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो है वो ऑडिट किया है। चलिए तो हमारा सर ये वाला पार्ट भी जो है कंप्लीट हो जाता है। एक जगह पे सर इसका और जिक्र है, सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज ई को अगर मैं देखता हूँ तो सर वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को डिफाइन करता है, और आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन पता है तो आपको सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की भी डेफिनेशन पता है। देखिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर इंश्योरिंग ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑपरेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, और ये
इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, देन उसके बाद रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड साथ साथ में ये भी आपका रिलायबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से जुड़ के जो है वो आ चुका है. सो वहाँ पे जो चार चीज़ें होती थी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन, राइट, तो वो सारी चीज़ें सर यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, बस इनका लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है. तो हम एक बार ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको. तो हमारा सबसे पहले तो हो गया कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, एक्यूरेसी एंड कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड टाइमली प्रिवेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, राइट. अब उसके बाद सर बोलते हैं कि डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर सर जो है एक डिटेल होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. लीजिए, तो हमारा सर इंटरनल ऑडिट का भी जो पूरा का पूरा मामला है वो यहाँ पे आके सिमट जाता है. और एक ऐसे 610 और है इसके लिए, वो मैंने यूट्यूब पे पहले से पूरी वीडियो डाल रखी है, उसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो सर आपका ऐसे 610 भी पूरा हो जाएगा. अब हमारे पास सर ये दो एसेस बचते हैं और इंटरनल कंट्रोल के कॉम्पोनेंट्स बचते हैं. और ऐसे 265 सर मैं आपको सबसे पहले करा देता हूँ कि ऐसे 265 जो है वो क्या बोलता है. बहुत ज़्यादा आसान सर ऐसे 265, ऐसे 265 का सिर्फ नाम ही बड़ा है और ये वैसे करने में बहुत छोटा है. हम लोग सर 2 मिनट में इसको क्लास में कवर कर लेते हैं, तो रिवीजन के टाइम पे भी हम इसमें 2 मिनट लगा के कवर कर लेंगे. पहले एक बार नाम पढ़ लेते हैं ऐसे 265 का, कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन आईसी टू दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट. ओके, तो सबसे पहले आपको देखना है कि सर डेफिशिएंसी होती क्या है. डेफिशिएंसी वो कि सर कंट्रोल है, हाँ जी कंट्रोल है, लेकिन वो प्रिवेंट डिटेक्ट को करेक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर कंट्रोल है ही नहीं. तो इसको ऐसे याद करिए, कंट्रोल है, प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट नहीं कर पा रहा, या फिर कंट्रोल है नहीं. अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी कौन सी है? डेफिशिएंसी जिस पे टीसीडब्ल्यूजी का ध्यान लाना जरूरी है. कम ऑन, डेफिशिएंसी जिस पे टीसीडब्ल्यूजी का ध्यान लाना जो है वो जरूरी है. इस ऐसे की रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले आपको बताना है कोई डेफिशिएंसी मिली क्या, वो डेफिशिएंसी मिली तो सिग्निफिकेंट थी क्या. सिग्निफिकेंट है तो टीसीडब्ल्यूजी और एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दो. हाँ जी सिग्निफिकेंट है तो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर दो. अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ा रहा हूं, आप जब कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें क्या क्या लिखेंगे. नंबर वन, वो डेफिशिएंसी क्या थी और उससे क्या हो सकता था. हाँ जी नंबर वन, वो डेफिशिएंसी क्या थी और उससे क्या हो सकता था, और साथ साथ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन समझाएंगे कि मेरे ऑडिट का पर्पस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना था. मेरे ऑडिट का पर्पस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना था. हाँ हमने आईसी को कंसिडर किया है विच इज रिलेवेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम अपने ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन कर पाए. ये अपने सब रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट में सर आप पूरा एज इट इज पढ़ सकते हैं. याद रखिएगा, मेरा पर्पस तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना था, मैंने फिर भी आईसी को कंसिडर किया है जो कि इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन के लिए, ताकि मैं अपने ऑडिट प्रोसेस को डिजाइन कर पाऊं, राइट. और ये जो मैटर्स मैं आपको बता रहा हूं, दीज आर लिमिटेड टू दोज डेफिशिएंसीज जो ऑडिटर को मिल गए ड्यूरिंग द ऑडिट, और ऑडिटर को लगता है कि सर ये सिग्निफिकेंट है, इनकी इंपॉर्टेंस सफिशिएंट है. फिर से आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्या थी और इससे क्या हो सकता था. दूसरी बात आप बताएंगे साथ साथ कि भाई अपना कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करेंगे कि मेरा पर्पस तो ऑडिट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. हाँ मैंने उन आईसीज को भी कंसिडर किया है जिनका इफेक्ट जो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आता है, ताकि मैं अपने ऑडिट प्रोसेस को डिजाइन कर पाऊं. ये जो मैं आपको मैटर रिपोर्ट कर रहा हूं, ये सर लिमिटेड है वो डेफिशिएंसीज तक जो सर मिल गई थी और मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है. और साथ साथ में आप ये भी बताएंगे, इसको हम कभी भी इंटरनल कंट्रोल पे अपना ओपिनियन जो है वो नहीं मानेंगे. दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ओपिनियन ऑन द इंटरनल कंट्रोल. Then guys, हमारे पास एक टॉपिक आता है लेटर ऑफ वीकनेस. लेटर ऑफ वीकनेस आपसे जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में जो है पूछा जा सकता है. पहली दो बातों में सर सिर्फ भूमिका बनाई गई है. ऑडिटर कंप्लायंस प्रोसेस करता है, या बोल दीजिए कंट्रोल टेस्टिंग करता है, ये देखने के लिए कि सर आईसी जो है डीआईएम है या नहीं, डिजाइन इंप्लीमेंटेड या मेंटेन्ड है या नहीं. और जब उसे सर कोई वीकनेस मिलती है तो वो एक लेटर ऑफ वीकनेस इशू करता है, राइट. तो पहले दो लाइनें भूमिका बनाने में चली गई. ऑडिटर सर डीआईएम चेक करता है आईसी का, और अगर उसे कोई वीकनेस मिलती है तो वो लेटर ऑफ वीकनेस इशू करता है. सो लेटर ऑफ वीकनेस है क्या? कीवर्ड, वो एक रिपोर्ट है जो ऑडिटर इशू करता है. याद रखिएगा, आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं इस बारे में. लेटर ऑफ वीकनेस इज इशूड बाय मैनेजमेंट टू द ऑडिटर, करेक्ट इनकरेक्ट? इनकरेक्ट. लेटर ऑफ वीकनेस इज इशूड बाय ऑडिटर टू द मैनेजमेंट. व्हेन इट इज इशूड? सर जब वो ऑडिटर डीआईएम चेक करता है और उसको कोई वीकनेस मिलती है तो. ओके, और साथ साथ में वो सिर्फ और सिर्फ वीकनेस नहीं बताता, वो मेजर्स भी बताता है कि इस वीकनेस को हम कैसे जो है करेक्ट कर सकते हैं. ओके, और आईसी में लैप्सेस भी बताता है, अगर कहीं पे आईसी नहीं है तो वो भी बताएगा. तो नंबर वन, वीकनेस बताएगा, मेजर्स बताएगा, लैप्सेस बताएगा. और साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है कि सर ये जो कम्युनिकेशन है जो हमने रिपोर्ट करी है किसको? मैनेजमेंट को. इन डिजाइन ऑपरेशन ऑफ आईसी एज हैव कम टू द नोटिस ऑफ द ऑडिट ड्यूरिंग हिज ऑडिटिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इट शुड नॉट बी टेकन टू बी अ रिव्यू एंड कमेंट ऑन द एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट पर्पस. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हमने जो कम्युनिकेशन करी है सर ये उन्हीं वीकनेसेस की है जो हमारे नोटिस में आ गए ड्यूरिंग ऑडिट, जैसा 265 में पढ़ रहे थे. और इसको कभी भी रिव्यू एंड कमेंट नहीं मानेंगे ऑन द एडिक्वेसी ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट पर्पस. लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ जो है समझ आ गई. अब बस 330 और सर आपके ये कॉम्पोनेंट्स, जो मेरा फिर से मन कर रहा है कि मैं आपको होमवर्क दे दूँ, लेकिन पहले 330 हम लोग रिवाइज करेंगे.
करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। 330 और 265 के बारे में यही कहना चाहूँगा, डिलीटेड हैं लेकिन फिर भी हमें करने हैं, एटलीस्ट ऊपर से हमें आइडिया जो है इनका होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एसए 330 की। पहले एसए 330 का नाम पढ़ लेते हैं, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू द असेस रिस्क। बेटा 315 में हमने रिस्क को असेस किया था, हमने रोमम देखा था कि रोमम कितना है और उसके लिए सर हमने रिस्पॉन्स बनाने थे। इस बात को याद रखिएगा, हम लोग सर रोमम करते हैं यानी कि रोमम को पता लगा लेते हैं रैप लगा के, उसके बाद सर हम लोग प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग के बाद सर हम लोग जो है एक्चुअली में अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाना शुरू कर देते हैं। हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स जो होते हैं वो सर हमारे पास होते हैं, हमारे पास कंप्लाइंस एंड सब्सटैंटिव। कंप्लाइंस इज कंट्रोल टेस्टिंग एंड सब्सटैंटिव इज आपका टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। हमारे ये जो प्रोसीजर्स हैं इनका एनईटी नेचर एक्सटेंट एंड टाइमिंग सीधा सीधा डिपेंड करता है कि आपने रोम जो है वो कितना एसेस किया है। अब हम इस एसे में सर इन ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में जो है वो मोटी मोटी बात करने वाले हैं। स्कोप आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस याद रखिएगा कि भैया 330 में हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं उन रिस्क को जो हमने असेस कर लिए हैं, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव भी अगेन आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, सिर्फ यही तो बताया कि सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करिए अबाउट द असेस्ड रिस्क मैनेजमेंट थ्रू डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क। तो आपने जो रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए थे उनको लेकर सर हमें एविडेंस चाहिए, और उनको आप एविडेंस कैसे निकालेंगे, आप सर उनके लिए प्रॉपर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है वो डिजाइन करेंगे। अब आ जाते हैं सब्सटैंटिव प्रोसीजर पे, अगेन क्विक रीडिंग देंगे। सब्सटैंटिव प्रोसेस में सर हम लोग क्या करते हैं, वी अप्लाई दिस प्रोसीजर टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल, और ये दो तरह के होते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सर हम लोग इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस जो है वो चेक करते हैं, ओके। देन उसके बाद हमें सर डिजाइन और परफॉर्म करने फैप, हम डिजाइन और परफॉर्म करने से फैप को डिजाइन और परफॉर्म करने से पहले हमें दो चीजें याद रखनी चाहिए। नंबर वन, हमने जो रिस्क असेस किया था उसका रीजन क्या था, और जितना ज्यादा रोमम होगा उतना ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए। ये दो फैक्टर हमेशा ध्यान में रखिएगा फैप डिजाइन करने से पहले। एक बात आपको बता दूं, आईसीए के अकॉर्डिंगली ऐसे 330 जो है वो डिलीट हो चुका है, लेकिन आईसीए बोलता है सर 330 आपको अगर कहीं भी पढ़ने को मिल जाए, जो अगर आपके किसी चैप्टर में आ जाए तो आप किसे हम उस पर क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो मैं आपको उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपने एक वो सुना होगा, कोई तो थी जो बेवफा थी, मैं उसका नाम भूल गया हूं, फातिमा आसिफा पता नहीं कौन थी, बता दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है जी। अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल की। यहाँ पे सर हमारा मेन प्रोग्राम जो है शुरू हो जाता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है सर वो करने चाहिए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों करने चाहिए, ये देखने के लिए। याद रखिएगा, अगर आपने पहले ही इनिशियली आपने देख लिया था कि भैया हमारा आईसी सही नहीं, आपकी जो आपकी इनिशियल असेसमेंट थी, तो आपको टीओसी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये कंक्लूड किया था कि आईसी बहुत अच्छा है, तो आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके अपने इस बात को जो है प्रूव करना पड़ेगा, एक केस। दूसरा केस, सर जी अब आपको अगर लगता है कि भाई मुझे सिर्फ सब्सटैंटिव प्रोसीजर से सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहे, तो भी आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो करना पड़ेगा। हर असेशन पे एक से ज्यादा जो है कंट्रोल्स लगे हुए सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं गुड्स परचेस करता हूं, उसके ऊपर सर 4-5 कंट्रोल्स लगे हुए सकते हैं। कोई कंट्रोल डायरेक्ट होगा, कोई कंट्रोल इनडायरेक्ट होगा, हमें सर सारे कंट्रोल्स को जो है वो एक बार चेक कर लेना चाहिए। अगर हमने इनिशियली सोचा था कि कंट्रोल्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, अगर इनिशियल असेसमेंट हमारी ये थी, या फिर हमें लगता है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर से मैं अकेले ऑडिट एविडेंस जो ऑप्टेन नहीं कर पाऊंगा, यही बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। लीजिए, इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टीओसी द ऑडिटर शैल ऑब्टेन मोर पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंस, द ग्रेटर द रिलायंस ऑफ द ऑडिटर प्लेसेस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगर आप लोग कंट्रोल पे रिलायंस बढ़ा रहे हैं अपना, तो आपको सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते समय पर्सुएसिव, ज्यादा पर्सुएसिव ऑडिट एविडेंस जो है वो गैदर करने पड़ेंगे। देन नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये मैं टॉपिक एक आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। मैं आपको पढ़ाता हूं सर दो ऐसे क्वेश्चन जो सर छुपे रुस्तम हैं, एग्जाम में जब भी आते हैं सर लोग बाग होकर सर आत्मा जो है अंदर से कांप जाती है। सबसे पहली चीज पहले आप समझ लीजिए, हम बेसिकली तीन चीजें पढ़ने वाले हैं टीओसी को लेकर। नंबर वन हम ये पढ़ने वाले हैं कि टीओसी का एक्सटेंट कितना हो, इसके लिए हमें कौन से मैटर्स को कंसिडर करना चाहिए। नंबर वन, फ्लो को समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए आप पहले। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टीओसी का एक्सटेंड कितना हो, उसके लिए कौन से मैटर कंसिडर करने हैं। नंबर टू हम ये सीखेंगे जो हमने इंटरिम पीरियड, फॉर एग्जांपल हमने ईयर के बीच में अगर हमने ऑडिट एविडेंस कुछ गैदर करे थे टीओसी को, उसका हम उस केस में हमने क्या करना है। एंड नंबर थ्री हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हमने प्रीवियस ईयर ऑडिट में इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को लेके कुछ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे थे, तो क्या हम उनको इस ईयर के लिए भी यूज कर सकते हैं या नहीं, या हमें कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए बिफोर यूजिंग द ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी विच वी हैव ऑब्टेन इन द प्रीवियस ईयर ऑडिट। जितनी अंग्रेजी आती है सब निकाल दी तुम्हारे भाई ने यहां पे, ओके। अच्छा जी, तो अब ये तीन बातें समझ लीजिए। नंबर वन,
एक्सटेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने हैं, नंबर टू अगर आपने ऑडिट एविडेंस इंटरिम पीरियड में ऑप्टेन किया था आईसी को लेकर तो क्या करना है, नंबर थ्री अगर प्रीवियस ईयर के ऑडिट में आपने ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन किया था रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी तो क्या करना है आपने। तो सबसे पहले कौन से मैटर कंसिडर करें फॉर डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक्सटेंट मतलब सैंपल साइज बड़ा या सैंपल साइज छोटा। अगर एक कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा यानी उसको सर बहुत बार अप्लाई किया गया है, भाई मैं सैंपल साइज बड़ा लेना चाहूंगा। लेंथ ऑफ टाइम, अगर आप छोटा पीरियड चेक कर रहे हैं मैं एक्सटेंट बढ़ा दूंगा, कम ऑन, अगर आप छोटा पीरियड चेक कर रहे हैं मैं एक्सटेंड बढ़ा दूंगा। तीसरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, अगर बहुत ज्यादा डेविएशन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं एक्सटेंड बढ़ा दूंगा। नंबर फोर रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, आपको जो ऑडिट एविडेंस मिले हैं वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट और बहुत ज्यादा रिलायबल है, इनके दोनों के मीनिंग मैंने आपको ऑडिट एविडेंस वाले चैप्टर में समझाया था। लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द असर्शन एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा रिलायबल अगर आपको मिल रहा है, या रिलायबल क्या क्या होता है वो भी हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो अगर आपके ऑडिट एविडेंस जो आपको मिले हैं इंटरनल कंट्रोल को लेकर बहुत ज्यादा रिलेवेंट और रिलायबल है मैं एक्सटेंड कम भी करके काम चला सकता हूं, लेकिन अगर रिलेवेंस और रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम है तो मुझे एक्सटेंड जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, याद रखिएगा। ओके, देन उसके बाद से हमारे पास एक मुद्दा और है, एक्सटेंड टू विच द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल अदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिलेटेड टू असर्शन। मैंने आपको क्या बताया था, एक असर्शन में सर एक से ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है लग सकते हैं, कम ऑन, एक असर्शन पे एक से ज्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल लग सकते हैं। अब सर मान लेते हैं एक असर्शन पे दो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगते थे, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो सर उसके लिए मुझे बहुत रिलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल चुका है, तो दूसरे वाले के लिए मैं एक्सटेंट ऑफ चेकिंग थोड़ा सा कम कर दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सर एक कंट्रोल को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो सेटिस्फाइड हूं, उसके लिए मुझे जो है बहुत सारे अच्छे सफिशिएंट एंड अप्रूव्ड ऑडिट एविडेंस मिल चुके हैं। तो याद रखिएगा सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और प्लीज चेक करिएगा ये आपके टीचर्स ने आपको कवर कराया है या नहीं कराया है, कवर कराया तो अच्छी बात है, नहीं कराया तो अब कर लो भाई, बहुत आसान सा था, साथ साथ लगभग समझा भी दिया मैंने आपको। ओके, देन बात करते हैं सर हम लोग किसकी, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। अच्छा सर ऊपर वाला एक बार और रिवाइज करा दो, हाँ भाई रिवीजन वीडियो में भी एक बार और रिवाइज करा दूं तुम्हें। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, फिर है लेंथ ऑफ टाइम, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, फिर है रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस, फिर है सर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स आपको क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है। अच्छा जी, देन गाइज बात करते हैं अगर आपने इंटरिम पीरियड में जो है आईसी चेक किया था तो आपको क्या करना चाहिए, इसे हम एक बार चार्ट से पढ़ लेते हैं। ये देखिए, यूजिंग ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ड्यूरिंग एन इंटरिम पीरियड, व्हेन द ऑडिटर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल ड्यूरिंग एन इंटरिम पीरियड, द ऑडिटर शेल, सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, आइए जरा मैं दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले सर उसे जो है ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन कंट्रोल, आपको उसको सिग्निफिकेंट चेंज इन कंट्रोल जो अगर पहले तो उसे देखना चाहिए इंटरिम पीरियड से लेके और ईयर एंड तक क्या कोई चेंज इन कंट्रोल हुआ है, अगर हाँ तो रिलेटेड ऑडिट एविडेंस चाहिए। और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ इंटरिम पीरियड से लेके और जो आपका क्लोजिंग डेट है उसके बीच में सर जो चेंज हुआ है, एक तो हमें पहले चेंज जानना है और साथ साथ में हम ये भी देखेंगे क्या हमें एडिशनल ऑडिट एविडेंस की जरूरत है इस पीरियड के लिए, अगर चेंज नहीं भी हुआ तो भी क्या हमें एडिशनल ऑडिट एविडेंस की जरूरत है या नहीं। तो एक तो चेंज पता करेंगे, चेंज से रिलेटेड एविडेंस पता करेंगे, और दूसरा अगर चेंज नहीं भी हुआ तो हम ये डिटरमाइन करेंगे कि एडिशनल ऑडिट एविडेंस की जरूरत है या नहीं। आइए तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, तीसरा क्वेश्चन क्लियरली बोलता है कि सर जो आपने प्रीवियस ऑडिट में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे थे विद रिगार्ड टू ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ आईसी क्या मैं उसे यूज कर सकता हूं। तो सर उसके लिए आपको ये 5-6 पैरामीटर्स दिए गए हैं। नंबर 1 रोमम एंड एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल, अगर सर इस ईयर रोमम बहुत ज्यादा है, इस ईयर रोमम बहुत ज्यादा है तो सर मैं पिछले वालों को यूज नहीं करूंगा, इस ईयर में आईसी पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा हूं, एक्सटेंट बहुत ज्यादा रिलाय मैंने प्लेस करा है कि भाई बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा हूं आईसी पे, मैं पुराने वालों को यूज नहीं करूंगा, मैं सिरे से इसको जो है टीओसी दोबारा से करना चाहूंगा। लैक ऑफ चेंज, इधर देखिए सर ऑर्गेनाइजेशन में सर्कमस्टांस बदल गए, ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज प्रोसीजर बदल गए लेकिन आईसी नहीं बदला, तो मैं पुराने वालों को यूज नहीं करूंगा भाई, अब मैं दोबारा से चेक करने वाला हूं। तीसरा इफेक्टिवनेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऐसे बेसिकली होना चाहिए इफेक्टिवनेस ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल या इफेक्टिवनेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल, कोई बात नहीं। सो मैं देखना चाहूंगा कि सर कंट्रोल कितनी इफेक्टिवली जो है वो अप्लाई किए जा रहे हैं, कंट्रोल कितने इफेक्टिवली जो है वो अप्लाई किए जा रहे हैं। अगर सर कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिवली अप्लाई किए जा रहे हैं तो सर जी मैं क्या करूंगा, मैं सर जी पुराने वाले ऑडिट एविडेंस यूज कर सकता हूं। ऐसी जनरल आईटी कंट्रोल अगर सर वो अच्छे से अप्लाई किए जा रहे हैं तो पुराने वाले ऑडिट एविडेंस जो है वो यूज कर सकता हूं। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल, मैनुअल है या ऑटोमेटेड है, ऑटोमेटेड है तो भाई मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटेड है तो मैं सर रिलाय कर सकता हूं पुराने ऑडिट एविडेंस पे, अगर तब भी ऑटोमेटेड है, लेकिन अगर मैनुअल है तो सर मैं पुराने ऑडिट एविडेंस पे ज्यादा रिलाय नहीं करूंगा क्योंकि मैनुअल में जो है गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन उसके बाद गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला जो हम सबसे लास्ट में कवर कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल के बाकी जो एलिमेंट्स हैं, मेरे साथ इंटरनल कंट्रोल के बाकी जो एलिमेंट्स हैं जैसे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट है, मॉनिटरिंग ऑफ एक्टिविटीज है, ये सब कैसे काम करते हैं। अगर सर इंटरनल कंट्रोल के जो बाकी एलिमेंट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईसी, राइट, अगर वो अच्छे हैं तो बिलीव मी गाइज मैं पुराने ऑडिट एविडेंस पर रिलाई कर सकता हूं। अगर वही स्ट्रांग नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एनवायरनमेंट खराब है, कंट्रोल एनवायरनमेंट बोले तो ओवरऑल एटीट्यूड
एटीट्यूड अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंट्रोल अगर खराब है तो भाई मैं पुराने ऑडिट एविडेंस पे कभी भी जो है वो रिलाय नहीं करूंगा। अब आ जाते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे। बहुत सिंपल है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होता है ये तो हमने सीख लिया। एक बात याद रखिएगा, ट्रू और फॉल्स में आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कितना ही आपका रिस्क कम क्यों ना हो जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ दी असेस रिस्क ऑफ मेंटल स्टेटमेंट, हमें तो सर हर मेजर असर्शन को लेके, चाहे वो ट्रांजैक्शन की हो, अकाउंट बैलेंस की हो या फिर डिस्क्लोजर की हो, हर मेजर असर्शन को लेके सब्सटेंटिव प्रोसेस जरूर 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 करना है। एंड स्पेसिफिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोजिंग प्रोसेस है उसको लेके सब्सटेंटिव प्रोसेस हम लोग जरूर लगाएंगे। और साथ साथ में जो सिग्निफिकेंट रिस्क जो हमने पढ़े थे सर SA 315 की डेफिनेशन में, SA 315 में जिसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, साथ साथ उसके एग्जाम्पल देखे थे, तो उनके अंदर भी हम लोग सर अपने सब्सटेंटिव प्रोसेस जो है वो जरूर 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 लगाएंगे। आप किसी भी समझदार टीचर से अगर पढ़ेंगे तो सर मैं आपको बता दूं कि वो आपको बताएगा कि 330 समझने वाला ज्यादा है, पढ़ने वाला कम है। ICAI ने सर इसको स्पेसिफिकली डिलीट करवा दिया, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग सर इसको इतना कवर करके जाएंगे कि भाई जो इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे वो कवर हो जाए। देन डॉक्यूमेंटेशन, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन में होमवर्क देता हूं बट फिर भी आपको यहाँ पे मैं कवर करा देता हूँ। देखिए आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, आपने जो जो रिस्पांस बनाया आपने वो डॉक्यूमेंट करना है, आपने अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का NED डॉक्यूमेंट करना है, और साथ साथ में आपके प्रोसीजर और आपके जो आपके प्रोसीजर और जो असेस रिस्क थे उनके बीच में जो सर आपने कनेक्शन बनाया कि भाई इस असेस रिस्क के लिए, इस असेस रिस्क के लेवल के लिए मैंने ये प्रोसेस लगाने सही समझे, वो डॉक्यूमेंट करना है, और आपके ऑडिट प्रोसेस के जो रिजल्ट्स आए वो आपने डॉक्यूमेंट करने हैं। तो यहाँ पे 330 की भी रिवीजन खत्म होती है, 265 हम लोग पहले निपटा चुके हैं। अब सिर्फ बचते हैं कॉम्पोनेंट। कॉम्पोनेंट में गाइज मैं आपको एक कॉम्पोनेंट पढ़ा देता हूँ, बाकी चार तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। देखिए एक ही जो सबसे बड़ा है जो अकेला पूरे पेज के अंदर आ रहा है वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, और बाकी चार जो है मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अपने आप कवर कर लेंगे। बोलो हाँ भाई हाँ। और इस तरह से हमारा चैप्टर 4 जो कि एक वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है, अगर मैं एक ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ दूं जो चैप्टर के नाम पे कलंक है, धोखा है, उसको अगर मैं छोड़ दूं तो सर सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर में से एक ये है कंपनी ऑडिट। मैंने आपको पहले पुराने रिवीजन वीडियो दे रखी, आप उनसे रिवाइज कर सकते हो क्योंकि कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, और ये चैप्टर 4 आप यहां से रिवाइज कर सकते हो। साथ साथ में आपके शुरू के 3 चैप्टर मैंने पहले रिवाइज करा दिए हैं, ऑडिट रिपोर्ट मैंने पहले रिवाइज करा दिया है। तो मोटे मोटे आपके आज की डेट में बोलूं तो 5 चैप्टर की सुपर डुपर हिट रिवीजन वीडियो जो है वो आपके पास अवेलेबल है। राइट, 13 में से एक निकाल दो ऑडिट ऑफ आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और 5 ये निकाल दो, यानी कि अब आपके 13 में से भाई 6 चैप्टर तो निकल गए, आपके पास 7 चैप्टर बचते हैं। कोशिश करूंगा 1-2 की रिवीजन वीडियो और दे दूं। और बताओ क्या चाहिए जीवन में, और बताओ ना क्या चाहिए जीवन में। राइट, तो चलिए सर अब जल्दी से चलते हैं और कॉम्पोनेंट्स में सबसे पहला जो कॉम्पोनेंट है इसको रिवाइज करते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट कंट्रोल एनवायरमेंट, कुछ चीजें बोलूंगा, बहुत मिनिमम चीजें बोलूंगा लेकिन याद करा दूंगा पक्की बात। So, सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द कंपोनेंट और द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको इंटरनल कंट्रोल को समझना है तो सर जी आपको सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझना है। कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझने के लिए 2 बातें, नंबर 1 क्या मैनेजमेंट ने कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर बनाया है, और साथ ही साथ में क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है, जो कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स है, अभी हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स। देखिए आईसी के कंपोनेंट में कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स, राइट। सो क्या जो कंट्रोल एनवायरनमेंट के वेरिएबल हैं वो एक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं आईसी के लिए या नहीं, तो इससे हमें एक बात और ही पता चलती है कि सर कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है आईसी को लेके। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आईसी को समझना चाहते हैं, आईसी को समझने के लिए हमें कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, और कंट्रोल एनवायरनमेंट को समझने के लिए हमें 2 बातें समझनी है। नंबर 1, क्या ओवरऑल सर एक जो कल्चर है ऑनेस्टी का और एथिकल बिहेवियर का वो है या नहीं। नंबर 2, हम ये समझेंगे कि कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है या नहीं देता है फॉर अदर एलिमेंट्स ऑफ द आईसी। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में सबसे पहले गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, गवर्नेंस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरऑल एटीट्यूड एंड अवेयरनेस एंड एक्शन ऑफ TCWG एंड मैनेजमेंट। राइट, ये 2 पैराग्राफ आप अच्छे से लिख के आएंगे। देन इसके बाद अगर आपने हमसे क्लासेस ली हैं तो सर इसकी मैंने एक्स्ट्रा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको सारे के सारे कंपोनेंट की एक्स्ट्रा वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दे दी है, शायद सारों की नहीं, एक आधे की शायद नहीं दी है, लेकिन जो 5 में से 3-4 मैंने पक्का रिकॉर्ड करके आपको अलग से रिकॉर्ड करके स्टूडियो में बैठ के रिकॉर्ड करके दिए हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, आपसे कम से कम ये 4-5 बार आने के चांस, 4-5 बार सर अभी तक RTP MTP वगैरह में आ चुका है, 4-5 बार, और सोचिए अभी तो अटेम्प्ट ही कितने हुए न्यू कोर्स के। राइट, सो क्या एलिमेंट्स हैं? नंबर 1, आप जब भी इसके एलिमेंट्स पढ़ने बैठें सिर्फ रतन टाटा जी की पिक्चर दिमाग में लाइए और 4 एलिमेंट्स
याद हो जाएंगे, रतन टाटा साहब की इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यू, उनकी कॉम्पिटेंस बहुत ज़बरदस्त है, उनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहता है और उनकी फिलॉसफी और ऑपरेटिंग स्टाइल। सिर्फ रतन टाटा जी की फोटो अपने दिमाग में लाइए और चार बातें याद रखिए। जैसे ही रतन टाटा जी के बारे में हम सोचते हैं ना, सबसे पहले इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यू मेरे दिमाग में आती है। फिर वो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट लीडर थे, उनका ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन रहता था हर चीज़ के अंदर, एंड फाइनली उनकी फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। तो आखिरी की तीन हम लोग सर ऐसे ही याद कर सकते हैं, अभी के लिए एक बार पढ़ लेते हैं फिर समझ भी लेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस। अब जरा समझिए, इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज। तो सर जी, हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज प्रॉपरली कम्युनिकेट करती भी है या नहीं। नंबर टू, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन सर इज कमिटेड टू कॉम्पिटेंस। कमिटेड टू कॉम्पिटेंस मतलब सर हम लोगों ने हमेशा 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 स्किल को, नॉलेज को सर्वोपरि रखना है, ना कि जान पहचान को। तीसरी बात, क्या TCWG का पार्टिसिपेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कितने इंडिपेंडेंट है मैनेजमेंट से, मार्क कर रहा हूं कितने इंडिपेंडेंट है मैनेजमेंट से, कितने इंडिपेंडेंट है मैनेजमेंट से, और कितना एक्सपीरियंस और स्टेटस, कैसा उनका एक्सपीरियंस और स्टेटस है, कैसे इनकी इनकी इन्वॉल्वमेंट है एज फार एज द, कैसे इनकी इन्वॉल्वमेंट है कंपनी के अंदर, इन्फॉर्मेशन को कैसे मिलती है, स्क्रूटनी कैसे करते हैं, और साथ साथ इनकी क्या अप्रोप्रिएटनेस है एक्शंस की, जब इनसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सर कैसे जो है ये मैनेजमेंट से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते भी हैं या नहीं पूछते हैं, राइट। इनकी इंटरेक्शन जो है वो कैसे रहती है ऑडिटर्स के साथ। ओके, पहले रतन टाटा जी आए, इंटीग्रिटी एथिकल वैल्यू पार्टिसिपेशन याद आया, कॉम्पिटेंस याद आई, और साथ साथ में उनकी फिलॉसफी और ऑपरेटिंग स्टाइल याद आया। सो मैनेजमेंट की फिलॉसफी और ऑपरेटिंग स्टाइल कैसा है, क्या वो सर बिजनेस रिस्क को कैसे लेते हैं, विजय माल्या की तरह तो नहीं लेते, सुजलॉन के मालिक की तरह थोड़ा लेते हैं बिजनेस रिस्क। उनका एटीट्यूड और एक्शन कैसा है टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो कहते भाई चलने दे जो चल रहा है, यानी सही नहीं है। वो कहते नहीं साहब एक रुपये की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं सही है। एटीट्यूड टुवर्ड्स इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शन एंड पर्सनल, वो अकाउंटिंग फंक्शन को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, अकाउंट्स में काम करने लोगों को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन, बाकी तीन तो बहुत आसान है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिजाइन है या नहीं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन प्रॉपरली एस्टैब्लिश है या नहीं, और ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिस कैसी है, ह्यूमन रिसोर्स का आप कितना ध्यान रखते हैं, उनको कैसे प्रमोशन देते हैं, उनकी रेमुनरेशन कैसे तय होती है, अगर वो कुछ गलत कर दे तो उनके लिए एक्शन क्या है, उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लीजिए एक कॉम्पोनेंट सर हमने कवर भी कर दिया लगभग 4 मिनट 13 सेकंड के अंदर। स्ट्रक्चर देखिए कैसे लिखेंगे, पहले आप बोलेंगे सर देखो अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट को, अगर इंटरनल कंट्रोल को समझना है तो कंट्रोल इन्वायरमेंट को समझना है, कंट्रोल इन्वायरमेंट को समझना है तो आपको दो चीज़ें मेनली समझनी है कि मैनेजमेंट ने एक अच्छा ऑनेस्टी का कल्चर और एथिकल वैल्यूज का कल्चर जो है डेवलप किया है या नहीं, और साथ साथ आपने ये देखना है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स जो हमने पढ़ लिए, हमारे पास जो 7 एलिमेंट्स है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं या नहीं बाकी कंट्रोल एनवायरनमेंट के, बाकी इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स को, राइट। सो कंट्रोल एनवायरनमेंट में होता क्या क्या है, सबसे पहले गवर्नेंस, फिर होता है सर ओवरऑल एटीट्यूड एक्शन एंड अवेयरनेस ऑफ TCWG एंड मैनेजमेंट। एलिमेंट्स की बात करें, रतन टाटा जी याद आए, चार बातें याद आई, नंबर वन इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी फिलॉसफी और उनका ऑपरेटिंग स्टाइल, एंड साथ साथ उनका पार्टिसिपेशन। बाकी तीन क्या बच गए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनली ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, खलास, राइट। सर ये एक बड़ा ही, मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है इस चैप्टर को रिवाइज करवाना, लोग बाग थर थर कांपते हैं इस चैप्टर से। अब सर इसके बाद मैं आपसे बोलूंगा जो हमने आपको स्कैनर फ्री में दे रखा है, आप प्लीज़ वहाँ से पढ़ लीजिए इसके क्वेश्चंस को, आपका काम हो जाएगा, राइट। और एक कॉम्पोनेंट्स अब मैं आपको एक दो पेज सिर्फ आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कर लेंगे। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और सबको बता देना ऑडिट पढ़ा रहा हूँ सी फाइनल का भी, और साथ साथ एडू 91 पे पेपर के बाद भाई अपने एग्जाम्स के बाद एक्सेल के और वैल्यू इन्वेस्टिंग के दोनों कोर्सेज जरूर सब्सक्राइब करना, मजा आ जाएगा आप लोगों को, गारंटी। चलिए जी, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।